उदय प्रताप है नाम मेरा। मैं इस कॉलेज में नया प्रिंसिपल बनकर आया हूँ। और भी मेरा एक नाम है कड़क प्रताप, खाल खींचने वाला कड़क प्रताप। 2002 मदुराई अमेरिकन कॉलेज, देर बाद बीच अखाड़ा, हजारों लड़के वेपन के साथ इस तरफ और हजारों दूसरी तरफ, मैं बीच में टोटल कंट्रोल। सर विद सिंगल वेपन? यस दैट वाज मी। ठीक बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी कुछ नहीं चलने वाला। माला घर ले जाओगे? पहनाओ मुझे। सर हमेशा की तरह दो ग्रुप के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है। कौन से हैं ये दो ग्रुप? ऑपोजिशन पार्टी के एमएलए का लड़का जगन सर और दूसरी तरफ विनायक का छोटा भाई नकुल सहदेव सर। हम क्या करें सर? चलो एक काम करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। रुको भाई सर, ये गलती मत कीजिएगा सर, पुलिस को मत बुलाइएगा वरना वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ए ब्लॉक और बी ब्लॉक चल गया लेकिन अभी सी ब्लॉक तो बाकी है। अगर आपने पुलिस को बुलाया तो ये लोग सी ब्लॉक और डी ब्लॉक भी चला देंगे सर। मेरी बात मानिए। बकवास बंद करो, तुम क्या चाहते हो? मैं कॉलेज को शमशान बनने देखूं? अरे क्या हुआ? पांडव के बाकी दो भाई भी इस युद्ध में कूद चुके हैं। ये कौन है? वो देखिए अब इस कॉलेज का अखाड़ा भी आज से बंद। माफ कीजिएगा सर, मेरे छोटे भाइयों से गलती हो गई। सर उनकी वजह से जो भी नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई हम कर देंगे जी। उसके लिए हम एक ब्लैंक चेक भी लाए हैं। I see your obedience. I am very cool. अब तुम अपने भाइयों को ले जा सकते हो। बहुत शुक्रिया सर। और ये हुआ ऑपरेशन सक्सेस। अभी मत उछलिए सर, सीन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कहना क्या चाहता है? अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है। लोगों को लगता है कि तुम लोग जीत गए लेकिन सच्चाई ये है कि तुम लोग दुम दबा के भाग रहे हो। झगड़ा इसी ने शुरू किया था क्या? सर विनायक जी आ गए। सब लोग शौक से और पूरा पेट भर के भोजन कीजिए। खाना खा के खुश हो जाइए। चेहरा कितना हसमुख है, बिल्कुल मेरी तरह। और दिल बिल्कुल राजा की तरह दयावान है। सबको जी भर के खाना खिलाओ, सबको पेट भर के खाना दो। छोटे वहाँ क्या कर रहा है? देखना इसकी प्लेट खाली हो गई है। घर पर सबको बुलाकर और प्यार से भोजन खिलाकर कितने खुश है ये, बहुत ही महान इंसान है। चिकन करी मटन सुखा, जरा दिल खोल के दो ना। दे रहा हूँ भाई। सर अब आप इस वक्त सिर्फ खाने की खुशबू ले रहे हैं। हाँ। अब इसे पचाना बाकी है। आ? आप जरा इन लोगों की हालत तो देखिएगा सर। ये लोग खाते खाते रो क्यों रहे हैं? लगता है खाना तीखा होगा। तीखा नहीं सर, ये अपना भविष्य सोच के रो रहे हैं। सब लोगों ने पेट भर खा लिया। उस लड़की के साथ तुमने सही किया। मेरे प्यारे छोटे लाल, जरा गेट को कस के बंद कर दो। अब शुरू करें हम। पूरे शहर में मारपीट खून खराबा चल रहा है। नहीं मैं और
बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप क्या करोगे? सीधे कलेक्टर के पास जाकर इसकी शिकायत करूंगा। वो बाद में, पहले आप जरा उधर देखिए। ए चन्ना, तो धूम धड़ाके वाला गाना लगा हुआ है। इस मारा मारी को क्रिकेट मैच की तरह मजे लेते हुए जो आदमी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो और कोई नहीं, इनका कलेक्टर मामा है। आपको शिकायत करनी है ना तो उनसे जाकर कीजिए। ये मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ भाई, कलेक्टर और गुंडा एक ही घर में। अरे भांजे, आज का मैच तो सुपर रहा, अगला मैच भी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अगले मैच में भी इतना ही मजा आएगा। थैंक यू थैंक यू। मैं तो बेकार में इस लफड़े में फंस गया। वो है ना, उसने लड़की को छेड़ा था, उसके लिए ऑलरेडी आपके भाई ने हमें पीटा है और अब आप भी हमें पीट रहे हो। भाई मुझे बात भी पूछनी है, मारने से पहले पेट पर क्यों खिलाते हो? बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाया पिलाया जाता है। खाना खाकर हमारी मार सह सको, इसलिए खिलाया। ऐसा लग रहा है कि तुम मार खा के बहुत थक गए। सुनो, बाल की दुकान को फिर से पेट भर के खाना खिलाओ। अरे मेरी तो भूख मर गई यार, मार भैया से मार। अगर दोबारा किसी लड़की से बदतमीजी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर विनायक, कॉलेज में जो मारपीट हुई एमएलए के भाई ने शिकायत किया है, इसलिए मैं आपके भाइयों को अरेस्ट करने आया। आप लोग इस तरह हंस क्यों रहे हो? अरे प्रेमलाल। ऑब्जेक्शन मिस्टर खाकी टोपी। इस घर के ऊपर बैठकर एक कौवा भी काँव काँव करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। ठीक कहा ना भैया? यहाँ इस घर के लोगों के सिर पर अगर एक जू भी रेंगना चाहे तो वो भी मेरी मर्जी के बिना नहीं रेंगेगा। ठीक कहा ना भैया? तुम क्या इनके वकील हो? इस कोट को पहन के क्या मैं आपको डॉक्टर दिख रहा हूँ? इन लोगों ने एमएलए के लड़के पे हाथ उठाया है। तो क्या एमएलए के लड़के ने हाथ में चूड़ियां पहनी थी? वो हाथ नहीं उठा सकता था क्या? अकॉर्डिंग टू द केस, आमने सामने की दुश्मनी में एमएलए के लड़के को जमकर दो चार जलाया है और उसके चेहरे का हुलिया कुछ डैमेज किया है, इसीलिए इन सारी बातों को मिलाकर एंटीसिपेटरी बैन। बाय द वे, जिस तरह मैले कपड़ों को डिटर्जेंट से धोते हैं उसी तरह हम लोग नाक से रस भरी निकाल कर गलत लोगों को सुधारते हैं। अब आप घर के अंदर जाएंगे या यहाँ से बाहर जाएंगे? बाहर जाकर उसका ख्याल रखिए जिसका नाक खून फटा है। प्लीज यू मे गो। ये क्या है, ये क्या है यार? क्यों तुम लोग हर वक्त किसी का हाथ पैर तोड़ते रहते हो? तुम लोग इसी तरह करते रहे ना तो इस गाँव से लेकर सीमा तक कोई नहीं रहेगा यार, समझे ना भैया? क्या है? ऊपर का टेरेस का जो हिस्सा है उस पे आप कोर्ट बनवा दो, नीचे के हिस्से को पुलिस स्टेशन को भाड़े पे दे दो और बीच के हिस्से में हम लोग रहेंगे। किस लिए? पुलिस स्टेशन और कोर्ट का चक्कर अब नहीं लगा सकता हूँ भैया, मुझमें हिम्मत नहीं है। हेलो, कौन है आप लोग? इस गांव में नए हो? आपके पास ये सचिन तेंदुलकर का एड्रेस है क्या? सचिन तेंदुलकर, उसका घर समझकर एड्रेस पूछते हुए यहाँ चले आए। अब आ गए तो आ गए, पेट भर भोजन करके जाइए ना। भोजन बना है। People wanna scream, all the people wanna shout, all the people wanna cheer, all the people in the house. Here comes a man with a new style. He's gonna drive everyone wild. If any woman comes around trying to test it. Oh, John.
सिगरेट पीते हो तुम लोग? अरे बाप रे भैया, अरे चलो चलो भागो यहाँ से भागो। सही नहीं कर रहा भाई, देख यहीं पर रुक जा। इसलिए इतना भौंक रहा है। भूखा रखकर इस तरह से मांगते हो? हम तो सिर्फ अपने मेहनत के पैसे मांगते हैं, तुम लोगों में कीड़े पड़े। इसे जरा झूले में झुला। अब बता हरिया, तुझे मौत को गले लगाना है या मेरी गुलामी करते हुए जीना? उस मार्केट में जो कोई भी मेरे खिलाफ सर उठाएगा, उसका सर मैं अपने पैरों तले कुचल डालूंगा। यहां सिर्फ मेरी ही हुकूमत चलेगी। नायक बेटा, क्या बात है मामा, आज यहां का रास्ता भूल गए? ये क्या तुम लोगों ने ढाबा खोल रखा है? कोई कपड़ा धो रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई कपड़े सुखा रहा है, कोई इस्त्री कर रहा है। अगर शादी कर लेते तो ये काम नहीं करना पड़ता, इसलिए इस मामा की बात मान। मम्मी, अरे बाप रे, शादी के नाम से तो भैया पीटते हैं और ये दोबारा यहाँ शादी की बीन बजाने आ गए। भांजे, हमारे गांव के मुखिया की बड़ी बेटी तुम्हारे लिए कब से रू की हुई है, तुम सिर्फ हाँ कह दो, बाकी मैं देख लूंगा। लगता है ये बकरा हलाल होने के लिए आया हुआ है। इसे कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मामा है? बहुत दूर से थके मांदे आए हैं, पेट भर भोजन कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं ना। मेरे प्यारे छोटे लाल, हाँ भाई, मामा के लिए अपने हाथों से बढ़िया खाना बनाओ। बना देता हूँ। अरे क्या करें भैया, ये तो हमारे मामा है ना। ये क्या बोला? कह रहा है रस मलाई ना भूल जाऊं मैं। बढ़िया। कितनी वैरायटी है, बहुत अच्छा। लेकिन एक कमी है, अगर ये सारा खाना कोई औरत बनाती तो बहुत टेस्टी होता। फिलहाल जरा एडजस्ट कर लो। ओके, आई एम एडजस्टिंग। मामा, साइलेंस प्लीज, डोंट डिस्टर्ब। इस मामा भांजे और पकवान के बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे खाने दो। अगर मैं 1000 जन भी ले लूं ना, तो ऐसा भांजा मुझे नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसका तुम लोगों को बहुत अफसोस होगा। अफसोस तो हो रहा है, खाने के बाद जो आप पर गुजरने वाली है वो सोच। भांजे, अब नहीं। थोड़ा और, पेट भर जाएगा। पेट भर गया। सुपर। भांजे, सब कुछ ओके। एक मीठा पान हो जाए तो सोने पर सुहागा। मीठा पान खाओगे? बहुत ही मीठा होता है। कैसे? मेरे प्यारे छोटे लाल, जाकर जरा दरवाजा बंद कर दे। अभी करता हूँ भाई। क्या पान खिला कर भेजोगे? धुलाई करके भेजूंगा। मामा, हम पांचों भाई पंजे में उंगलियों की तरह आपस में जुड़े हुए हैं और तुम लड़की लाकर फूट डालना चाहते हो? नहीं, बीवी नाम की बला को इस घर में लाओगे, हमारी खुशी खत्म करोगे, यही सोचा था?
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई जी। इन्हें प्यार से बात करो। अगर कोई भी शादी का रिश्ता लेकर इस चौखट पर आया वो हलाल हो जाएगा। हम पांचों एक हैं। ठीक की तरह क्या बोल रहे हो? अगर जान बच दोगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है बोलो। आप लोगों के अनमैरिड एसोसिएशन में मुझे भी शामिल कर लीजिए भैया। अरे मेरे प्यारे लाल, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? भैया मेरे राजा। ए अनारकली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोल ना रे। अब हम अपने प्यार को ब्रेक लगा देंगे। क्या? जब से मैं विनायक भैया का पांचवा भाई बना हूँ तब से मैंने अपनी पांचों इंद्रियों को मार दिया। इसीलिए मेरा कोई सपना नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है और कोई इरादा भी नहीं है। मेरे पीछे कुत्ते की तरह घूमने वाले, ये बात तुझे मेरे मुंह पर लव बाइट देने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब मैंने अपनी सारी फीलिंग्स को मार दिया है दीदी। दीदी कहा? वैसे तुम लोगों को किसी लड़के से पीछा छुड़ाना होता है तो भाई भैया नहीं कहती हो क्या? इसीलिए मैं भी दीदी दीदी कह रहा हूँ। दीदी 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 नहीं बदलेगा। हम पांचों एक हैं। वो ठीक की तरह। तेरे मुंह पर मौसम पड़े, तेरे से कौन शादी करेगा? मैं ब्लेक कुमारी रह जाऊँ, मगर मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी। इस तरह छिप छिप कर हम कब तक मिलते रहेंगे? ये बताओ तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? पूरे आंगन में मंडप सजाकर, 300 पंडितों को खिलाकर, 3000 मेहमान बुलाकर, सारी दुनिया हमारी शादी को याद रखे, इस तरह से तुम्हें ले आऊंगा जाने मनु। पहले हलाल होने के लिए तैयार हो जा। मर गया। कल भैया के सामने कुवारे रहने की शपथ लेकर आज तू यहाँ मर मर कर लड़की के गाल से ला रहा है? नहीं रे। इस वक्त आँख देखी मैटर को, पूरे गाँव वालों के लिए मैं सनसनी खबर बना दूंगा। अर्जुन, भीम क्या कर रहा था तुझे पता है? अरे जा यहाँ से। जो मैं कहने जा रहा हूँ तू सुन नहीं पाएगा। अरे बोल रहा हूँ जा यहाँ से। अरे उसके कारनामे सुन तो जरा यार। अरे मैं बोल रहा हूँ ना तू जा यहाँ से। अरे क्या यार तू मुझे उल्टे पाँव भगा रहा है बगैर चड्डी के ना रहा है क्या? कुछ भी मत। ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकती, मैं फिर से छुपू क्या? कब से चल रहा है ये? 4 सालों से चल रहा है। 4 सालों से चल रहा है? हमारा 7 साल से। 7 सालों से चल रहा है? तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग कॉलेज में आखिर क्या पढ़ने जाते थे? बेकार सवाल मत कीजिए, हम अच्छे घर की लड़कियां हैं। अच्छा, तो मैं कौन से उल्टे सीधे खानदान का हूँ? मैंने भी तुम लोगों के साथ शपथ लेकर अपनी दुनिया उजाड़ दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मैं सारी बात बताकर बड़े भैया के सामने परोस दूंगा। हमें मालूम है तेरा भी चक्कर चल रहा है। इतना क्या सोच रहे हो? जल्दी जल्दी बोलो। क्यों? मुझे आइंस्टाइन समझ रखा है जो तुरंत सोचूंगा। जरा रुको। इस बात को तुम्हारे भाई को बताना और अपने सिर पे जूता मारना दोनों एक ही है, कोई नहीं बचेगा। तो अब क्या करें? पहले बैठो। बचपन में स्कूल में पढ़ते समय एग्जाम में नकल करते समय टीचर देख लेती थी तो हम लोग क्या कहते थे? मिस मिस, मैं नकल नहीं कर रहा था मिस, ये मेरी नकल कर रहा था मिस। बाजू वाले पर हम अपना इल्जाम लगा देते हैं ना, वही फॉर्मूला अब हम अपने भैया पर यूज करेंगे, लेकिन उसे थोड़ा सा चेंज करके। इस बार इल्जाम बाजू वाले लड़के पर नहीं लेकिन टीचर पर लगाएंगे। वो कैसे? हमारी ही तरह तुम्हारे भैया को भी लव के जाल में फंसा दे तो मैं करके दिखाऊंगा यारो। आइसक्रीम अच्छी है ना? क्यों रे, पढ़ाई छोड़कर इसे आइसक्रीम खिला रहा है? जा अपने घर पे जा। अरे चलो यार चलते हैं। यार। और नहीं तो क्या, गरीब बच्ची को प्यार से आइसक्रीम खाता देकर उसके सिर पर कुट्टी मार दिया। अब जरा उधर देख, उनकी उम्र से सफेद बालों का कोई भी लेना देना है क्या? हमेशा गर्म दिमाग, ऐसा गर्म दिमाग रखने वाला किसी से क्या प्यार करेगा यार। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे भैया के बाल कैसे सफेद हुए। कैसे? उस चाय वाले ने हर 10 मिनट में हमारे भैया को काली चाय पिला पिला कर उनके बालों को सफेद कर दिया। अब्दुल चाचा, अरे अरे भाई तुम लोग मेरी दुकान क्यों तोड़ रहे हो? अब्दुल भाई, तुमने रोजाना 15-20 काली चाय भैया को पिला कर उनके सिर को 75% सफेद कर दिया। बचा हुआ हिस्सा सफेद होने से पहले हम उनकी शादी कराना चाहते हैं। अब वादा कीजिए कि आगे से आप उन्हें चाय नहीं पिलाएंगे, नहीं तो आपका ये दुकान अब नहीं टिकेगा, हम तोड़ देंगे। अरे अब्दुल भाई, आपके ऐसे हंसने का क्या मतलब? जब वो 15 साल का था
वो मेरे पास काम करता था। वो सुबह से शाम तक सिर्फ ग्लास ही धोता था। जो रुखी सुखी बनाता दोपहर के वक्त वो हम दोनों के लिए काफी होता था, लेकिन वो अपने हिस्से का खाना मुझसे छुपा कर कहीं और ले जाता था। मैंने पूछा कहाँ ले जाते हो तो कहने लगा भाइयों को खिलाने। मैंने पूछा तू क्या खाएगा, कहता था चाय से ही पेट भर लूंगा। माशाल्लाह, उसने अपना पेट काट कर तुम लोगों को पाला है। वो उसी चाय को पीकर जिंदा है और मैं उसे पिला कर जिंदा हूँ। अब तुम लोग चाहो तो मेरी दुकान तोड़ सकते हो। भैया ने हमारे लिए कितने दुख उठाए हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। नहीं किया है तो अब करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए हमें उनकी शादी करवा देनी चाहिए। ऐसा हो सकता है भाई? हो सकता है। दुनिया में पैदा होने वाले हर इंसान के पीछे कोई ना कोई सपना या कहानी जरूर होती है। जालिम हिटलर की भी एक लव स्टोरी थी, तुम्हारे भैया की भी, जवानी ढलने से पहले जब तुम होगी। ऐसा डुएट उन्होंने जरूर गाया। तो हमें कैसे पता चलेगा? तुम्हारे भैया का डिटेल जानने वाला कोई ना कोई मुंह खोलने के लिए कहीं ना कहीं हमारा इंतजार जरूर कर रहा होगा मुंह खोल के। बच्चे लोग सो गए क्या? बिस्तर लगा दिया क्या? हमारा रास्ता साफ है ना? तो फिर बेडरूम में प्रवेश करें क्या? मेरा तो बेड लकी खराब है। अबे नालागू, ऐसा क्या पाप किया था कि रात को नींद खराब करने चले आए? तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा ही तो कर रहे हैं। हमारे भैया ने प्यार किया था कि नहीं, बस इतना बता दो। अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया तो हम ये सोने वाली खाट उठाकर ले जाएंगे। क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो? आप मामा के साथ गप्पे शप्पे लड़ाओगे और हम लोग सारी रात वहाँ पर सोएंगे नहीं। सुनो, तुम्हारे भैया शादी ही नहीं करना चाहते तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वही तो, भैया का बचपन कैसा था यही जानने के लिए हम आए हैं। बताओ 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 बताओ, बचपन में भैया भी क्या ठरकी 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 थे क्या? ठरकी 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 नहीं, प्यार 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 किया था उसने। कौन है वो? रुको, अरे मैं भूल गया हूँ, बताता हूँ, सोचने दो। बहुत देर तक आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, कृपा करके जल्दी बताइए। बचपन में मैं और विनायक शहर के स्कूल में छठी क्लास में पढ़ते थे। उसके दिल में एक तस्वीर उतारा। तो बच्चों, अब आखिर में आप लोगों के सामने गोपी देवी अपना नृत्य दिखाएंगी। मुझे गोपी देवी ना बहुत पसंद है। ये लड़की कितनी अच्छी दिखती है ना? इंसानों को हमेशा सच्चाई की राह पर ही चलना चाहिए और हर किसी को प्यार। गोपी देवी ये लो। अरे वाह, खट्टी मीठी गोली मुझे बहुत पसंद है। गोपू चलो, देर हो रही है। गोपू, ए सुन सुन सुन, ए सुबु सुबु, गोपी देवी का बेटा नेम गोपू है यार। इतनी शक्ति हमें देना गोपू। इतना पागल हो गया था, गोपू गोपू करके सबको परेशान कर रखा था उसने। तो तुरंत जाते हैं ना। वो गोपू जहाँ कहीं भी होगी हम उसे ले आएंगे। भैया की शादी हर हाल में होगी। Come on, let's go, 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 go. तो फिर उन चारों का तुम क्या करोगे? कौन से चार लोग? गोपी का पति और उसके तीन बच्चे। ये क्या कह रहे हैं आप? वो गोपी देवी हम दो हमारे तीन के साथ सेटल हो चुकी है और ऊपर से उसका पति पहलवान है। एक ही रास्ता बचा था, वो भी आपने डेड एंड पर पहुंचा दिया। ए भैया, किसी के गले में मंगलसूत्र नहीं बांध पाएंगे, उन्हें कहो सर पे पगड़ी बांध ले। क्या बक रहा है? अरे रुको भाई रुको, मुझे लगता है तुम्हारे भैया को उस लड़की की जगह गोपी देवी नाम से बहुत लगाव है शहर। तुम लोग एक काम करो, किसी गोपी देवी नाम की लड़की को ढूंढ निकालो, फिर उस लड़की को ले जाकर विनायक से मिलवा दो ना। ए जल्दी करना यार, पुलिस हमेशा देरी करती है। अरे उनसे नहीं कह रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ यार। ए वकील, इन्हें बोल दे यहाँ बराबर हाजिरी देने आया करे, वरना इनकी जगह मैं तुम्हें अंदर डाल दूंगा, याद रहे। वैसे तुम फाइल में ढूंढ क्या रहे थे? सर, हमने ये सारी फाइलें चेक कर ली, इनमें जो गोपी है वो तो पहलवान है। हम खूबसूरत लड़की को ढूंढ रहे हैं हमारी भैया की शादी के लिए। कैसे पागलों को यहाँ लाए हो यार? आप समझे नहीं सर, हमारी आज की खास मेहमान है गोपी देवी। मंदिरों के नवीकरण में खास दिलचस्पी रही है, तो गोपी देवी बताइए आप मंदिरों को। एक जगह में और एक मंदिर में बहुत अंतर होता है, क्योंकि मंदिर एक आस्था है। जिनका जिक्र आपने किया वो गोपी देवी कहाँ है? वहाँ, आजा। कहाँ है? अरे गोपी देवी, गोपी देवी धीरे, जरा धीरे। गोपी देवी संभल के
गोपी देवी, लेकिन अब भैया से इसकी सेटिंग कैसे कराएं सोचना पड़ेगा। बच्चे लोग स्कूल चले गए क्या? घर का सारा काम निपटा दिया क्या? दोपहर का खाना तैयार है क्या? तुमने कुछ कहा क्या? आपके कान हमेशा बजते रहते हैं। फिर ठीक है, हम दोनों ही। अरे इन्हें मालूम कैसे पड़ जाता है? हेलो, आपके कहने के मुताबिक हमें गोपी मिल गई। मिल गए, ठीक है। वो मंदिर का नवीकरण करने वाले ग्रुप के साथ है। बढ़िया है। मामा, अपने पावर का इस्तेमाल करके इसे अपने गांव में मंदिर के नवीनीकरण के लिए बुलवा लीजिए। इसे अपने घर के पास ही ठहराना है और फिर भैया से भिड़वाना है। Listen carefully, ये काम तुरंत होना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारी 40वीं सुहागरात नहीं होने देंगे मामा। ऐसा मत करना, मैं आज रात को ही उस लड़की को अपने यहाँ बुलवा लेता हूँ, ठीक है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज रात को भी जरा एडजस्ट कर लो जाने मन। ओ हाँ। उम्र में मातम मनाने वाला गाना सुन रहे हैं। अरे कौन मर गया यार? डाउट 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 मैरिज होगी कि नहीं? डाउट बोलिए मामा जी। एक छोटी सी मदद चाहिए। हाँ बोलो। हमारे पड़ोस में शिल्प कला साफ करने वाला लेडीज ग्रुप आया हुआ है, वो लोग मेरे खास हैं। मैंने उन्हें रूम तो दिला दिया लेकिन चाबी देना भूल गया। उस रूम की चाबी तुम्हारे टेबल पे रखी है क्या? हाँ मामा, रखी तो है। तुम उन तक पहुँचा दोगे प्लीज? आप पागल हो गए क्या? इस वक्त मैं पी रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता। दुनिया को पेट भर खिलाने वाला सिर्फ पीता ही रहता है। बकरे को हलाल करने वाली छुरी एकदम साफ सूफ करके मैंने अपने ही पास रखी है। ये इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं है। अब देखो ये मामा क्या कमाल दिखाता है। देखो भांजे, चाबी दो और उनके घर तक जाकर आवाज दो, गोपी देवी एक खूबसूरत लड़की बाहर आएगी, उसके हाथ में चाबी पकड़ा देना और वापस आ जाना। अपने मामा के लिए इतना कट गया। मैं रो या हंसू कुछ समझ में नहीं आया, आपको अकलमंद समझता था, लेकिन आप तो इडियट निकले मामा। इडियट? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं एक बार बुरा बदलो भागता हुआ चला आएगा। रिएक्शन क्या मेरा? देखो पूरी कट दिया। अच्छा हुआ, बहुत बोल रहे थे ना। कलेक्टर है यार, मार दूंगा इन्हें, फोड़ दूंगा इन्हें, ये क्या रट लगा रखा है? विनायक को बचपन से जानता हूँ मैं, उसके दिल में भी गोपी देवी का नाम छपा है। अभी देखना वो म्यूजिक रोकने वाला है। वो कुछ सोच रहे हैं, थोड़ा परेशान होगा और फिर खड़ा हो जाएगा। खड़े हो गए? हाँ। अब वो टहलने लगेगा और सोचने पड़ जाएगा। हाँ वो सोच रहे हैं। हाँ। अब वो मुझे फोन करेगा। कुछ खास नहीं मामा, वो क्या नाम बताया था? विनायक। मेरा नहीं, उस लड़की का। गोपी देवी। गोपी देवी, अच्छा ठीक है, मैं चाबी पहुंचा देता हूँ। अरे नहीं भांजे, तुम तकलीफ क्यों उठा रहे हो? आपने कहा है तो ना कैसे कह सकता हूँ मैं। ठीक है, फिर तुम ले जा करके दे दो। वो अभी तक बिना शीशे में देखे ही शेविंग करते थे क्या? अरे बारिश होने वाली है, अब क्या करें? चलो सब लगेज उठाकर अंदर चलते हैं। चलो चलो। आप कहाँ जा रहे भैया? पास वाले घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, अभी लेने जा रहे हैं। इधर देखिए भैया, मैं बुलवा देता हूँ। जब तक कि मोटू इनकी जिंदगी बैठ के शादी होने से यही सारा बीवी के लगा देगा। मेरा हाथ छोड़ दे, लगता बारिश होने वाली है, बेहतर होगा तू अंदर। गोपी देवी, टाइम फॉर प्लान टू। Thank you.
कहिए। गोपी देवी आप हैं? हाँ मैं ही हूँ, बोलिए। कलेक्टर साहब ने ये चाबी देने के लिए कहा था। ओह, थैंक्स। देखा? कोई कीड़ा घुस गया क्या? अरे नहीं, कामयाबी का एक्सप्रेशन है। अब तक तो हमसे देख ही रहे हैं। मामा हो तो इस काम को पूरा अंजाम तक तो पहुँचाओ। जरा सुनिए। हाँ? आपको घर में क्या कहकर बुलाते हैं? गोपू। शांत पानी था, इसमें कंकड़ जरूर मार गई है। गांव में पैदा होने वाली सभी प्रकार की सब्जियों और फलों की लोडिंग और अनलोडिंग जो ट्रक और लारियों के माध्यम से की जाती है, यहां आज उसका नया टेंडर खुलने वाला है। जिन्हें भी टेंडर डालना है वो अपने नाम की पर्ची सामने बक्से में डाले। भाई लोग पर्ची डालो ना, तहसीलदार साहब कह रहे हैं ना, उनकी तसल्ली के लिए डाल दो। वैसे हर बार की तरह मेरा ही टेंडर पास होगा, आप चाहे तो पर्ची डाल सकते हैं। ऐसे सर झुकाकर बैठे रहेंगे तो मेरी बीवी मुझे विलेन समझने लगेगी। मैं जानता हूँ आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, चलो इस बार भी ये जिम्मेदारी मैं ही संभाल लेता हूँ। इतनी जल्दी नहीं भाई साहब। तूने तुझे भी कुर्सी की लालच पैदा हो गई? लालच नहीं मच्छर, इंसाफ दिलवाने आया हूँ। मजदूरों को उनके पसीने का मुआवजा दिलाने आया हूँ। आज के बाद किसी भी मजदूर के पेट पर लात नहीं मारने दूंगा। हर चीज की हद होती है, तूने अगर हद पार की तो मैं अपनी हद भूल जाऊंगा। तेरे पास फोन है क्या? हाँ है। उस पर नेटवर्क है? हाँ है। अच्छी बात है। हाँ बोल भाई। भैया हमारे 30 ट्रक अचानक गायब हो गए हैं। मुझे कैसे वो कुछ पता नहीं। तेरे पास सेलफोन है क्या? हाँ है। और नेटवर्क है? वो भी है। अच्छा है। हेलो। मेरे 30 ट्रकों को गायब किया तुमने, मैंने तेरी कार गायब कर दी। उसमें तेरा बेटा है, मासूम सा। कितना गायब किया ये मायने नहीं रखता, क्या गायब हुआ ये मायने रखता है। देखा मेरा जलवा? आज के इस चुनाव में हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि विनायक एंड ब्रदर्स के विनायक ट्रांसपोर्ट को इस साल का ये टेंडर दिया जाए। मेरे खिलाफ सर उठाकर तूने बहुत बड़ी गलती की। तेरी औकात क्या है? तू है क्या चीज? तू देवता समझेगा तो देवता हूँ, खुदा समझेगा तो खुदा, यार समझेगा तो यार, दिलदार समझेगा तो दिलदार, दोस्त समझेगा तो दोस्त, दुश्मन समझेगा तो दुश्मन। तू मुझे जो भी समझेगा मैं वही हूँ। मैं जात धर्म को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ इंसानियत का पुजारी हूँ। भाभी को लाकर बाजू वाले घर में घुसा तो दिए। वो काम कलेक्टर मामा ने किया, तू उन्हें क्या किया भाई? अब देख यार मेरा शैतानी दिमाग का चक्रव्यूह। बोलो प्यारे लाल। भैया हमारे पड़ोस में जो आई है ना गोपी देवी, कुछ हवारा बदमाश लड़के मंदिर के पास उन्हें छेड़ रहे थे। आप जल्दी से जाकर उन्हें बचाइए ना भैया। अभी पहुंचता हूं। अरे भाई तेरा प्लान क्या है? मैंने 4 किराए के गुंडों को सेट किया हुआ है।
अब गुंडा गोइंग। भैया अब उनकी अच्छी खासी पिटाई करेंगे, वो ज्यादा उछलेंगे तो उन्हें पिलर की जगह खड़ा कर देंगे और इसे देखते ही आंखों से आंखें मिलेंगे, दिल से दिल टकराएंगे और दोनों का जुगाड़ हो जाएगा। मुझे तेरे प्लान पे डाउट है। कल रात को मैंने कई भाषा की फिल्में देखी और सारी फिल्मों में ऐसे ही सीन थे, इसीलिए ये सीन जरूर वर्कआउट होगा। इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल वर्कआउट नहीं होगा। अरे ये गोपी देवी के ग्रुप में जो लड़कियां हैं उनमें से ही एक है। भैया भैया क्या कर रही है? ऐसा नहीं है जानू। तो सुनो, मैं समझाऊंगा ना, मुझ पर भरोसा रखो। सब हो जाएगा। क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं। क्यों बे, बीड़ी फूकने का मुंह और बांसुरी बजाने के मुंह में क्या फर्क है मैं नहीं जानता क्या? तुमने इस सिम को कब एक्टिवेट किया प्यारे? मैं बताती हूँ, इनके बड़े भैया ने तो सिर्फ घर की चाबी दी थी, लेकिन इन्होंने गैस का कनेक्शन लगवाया, केबल कनेक्शन लगवाया, वाटर कनेक्शन भी लगवाया। इंजेक्शन लगाए में बच्चे जैसा थोबड़ा क्यों बनाया है? तूने इसका सारा कनेक्शन कब कर दिया यार? अरे हाथ मसलना छोड़, तुम्हारे ये चोचले मुझसे देखे नहीं जा रहे यार। क्यों नहीं वर्कआउट होगा? एक्चुअली गोपी देवी को छिछोरे आशिक बिल्कुल पसंद नहीं। वो फूल जैसी कोमल है, छोटी सी आवाज पर भी चौंक जाती है। अगर उसने मारपीट देख ली तो तुम्हारे भैया का तो बेड़ा गर्क। हमारे देश में नकली घी बिके ये काफी नहीं है क्या जो नई 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 लगा रखा है? फाइट कैंसिल, वापस जाओ। चलिए हम उसको मार के रोएगा। हेलो, वो गोरखा राउडीज को तुमने रोक लिया है ना? अरे मेरे भाई, ये लोग बहुत जेन्युइन गुंडे हैं, पैसा लेकर काम किए बिना ये लोग नहीं जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं बताता हूँ, जरा फोन उस गोरखा को दे। एक मिनट रुको रुको, लो बात कर लो। अच्छा साहब, ओके साहब, अरे यार ये क्या किया तुमने? वकील होकर भी गोरखा को समझा नहीं पाया मैं। तुमने एक फोन में ऐसा क्या मतलब कर दिया कि तेरी बात सुनकर ये लोग ओके ओके बोलने लगे। समझ गया, अब शुरू हो जाओ। कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छी बात। ये रेड एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। वो तो देखो। पर I'm very sorry। ये रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। ये रेड नहीं है देवी जी, मेरा ब्लड है। हाँ? भैया के दिल के अंदर अगर भाभी को घुसाना है तो उससे पहले हमें भाभी के घर के अंदर घुसना पड़ेगा। उनके घर में घुसना इतना आसान है क्या? उसके लिए तो भगवान ही रास्ता दिखाएंगे। निकल गया रास्ता, दिखाने के लिए भगवान खुद ही यहाँ विराजमान है। बड़े भैया के दिल में खुजली लगाने से पहले ये तो अपनी गर्लफ्रेंड के गाल पे खुजली किया जा रहा है। क्या क्या कर रहे हो? असल में नमस्ते मैडम। नमस्ते, बोलिए। अरे वो पूछ रही है ना, जरा फिर से कहो। नमस्ते मैडम। क्या है, कौन हो तुम लोग? हम लोग आपके पड़ोसी हैं। अरे ये क्या, उन्हें बता रहा है कि तू डरा रहा है? चल पीछे। हम विनायक के भाई हैं, क्या आप इस मूर्ति का नवीकरण करके देंगे? नो 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 नो, ये हमसे नहीं होगा, हम सिर्फ मंदिर का ही नवीकरण करते हैं, किसी और का नहीं। आप जाइए। भेड़ को खुद नहीं मालूम कि उसके बाल मुलायम है, वो उसे पैरों से ही खुजला रही है। आप लोग चले जाइए। एक मिनट मैडम, घर हो या फिर मंदिर हो, भगवान तो हमारे दिल में बसे हैं। मैं मूर्ति बना दूंगी। बज गए। चलो सब अंदर चलो। अरे देखो 9 बज रहे हैं। वाह क्या बात है, बिना घड़ी पहने आपने क्या सूरज को देखकर टाइम बताया? सूरज को देख करके नहीं, भैया की सूरत देखकर टाइम बताते हैं। भैया को देखकर रात भर में चैन से सो नहीं पाए छोटे, इतने भी पी लूं नशा चढ़ ही नहीं रहा यार। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भैया, अगर आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो उतनी हुई भी चढ़ जाएगी। वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? ध्यान, ऊपर वाले का ध्यान। बहुत कुछ अंदर उतारने के बाद घड़ी के कांटे की तरह एक ही जगह 6 नंबर पर रुके हुए हैं। सात चक्र होते हैं, आप
छह क्यों कह रहे हैं? क्या वो क्या है ना, एक नंबर हमने किराए पे दे दिया। वो कब तक वहाँ बैठे रहेंगे? रात में जितना राउंड चलेगा उतना ही राउंड ये बैठे रहेंगे। राउंड? रात को जो खाया था उसे हजम करने के लिए मैदान का कितना चक्कर मारेंगे वो कह रहा है ये। रात में कितना राउंड चलता है भाई? 9 राउंड। तो फिर 9 बजे तक तो रहेंगे। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। चिल्लाओ मत। क्यों? उनका ध्यान भंग हो जाएगा। अरे वाह क्या बात है। चलो आओ। क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मूर्ति का नवीकरण हो गया क्या, ये देखने आए हैं? मूर्ति पर काम शुरू किए सब 4 ही दिन हुए हैं। सोचिए 4 दिन हो गए। रुक। हेलो हेलो, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब करने चले आते हो? मैडम शाम को 6 बजे रास्ते की तरफ आएंगी क्या? क्यों? वो ट्रक को उठाना है ना? अभी तो बस 12 बजे हैं। फिर से आपने वॉच देखे बिना टाइम कैसे बता दिया? हमारे भैया का बॉस से बात करने का वक्त हो गया, शार्प 12 o'clock। जरा उधर देखिए तो। ये 1.5 किलो का होगा ना? इसका काम तमाम करके आज रात इसको फ्राई कर दो। वो मुर्गी से इस तरह क्या बात कर रहे हैं? इस संसार में जो कोई भी जीव आता है उसे एक दिन पंख पखेरू बन के उड़ जाना, यही बात उस मुर्गे को समझा रहे हैं। इनफैक्ट दूसरे राज्यों से जो परिंदे यहाँ उड़कर आते हैं वो दूसरे परिंदों का पता भैया से ही तो पूछते हैं। उन्हें मुर्गियों से इतना लगाव क्यों होते हैं? टेस्ट। Our brother likes birds very much. Excellent. इसे रहने दो। वो बकरे का वजन करके दूसरे को क्यों दे रहे हैं? वो एक बकरे को छोड़कर दूसरे बकरे को क्यों उठा रहे हैं इसका राज आप नहीं समझ पाएंगी मैडम। हाँ? आप शायद एक्सेलेंट कहना भूल गई हैं। एक्सेलेंट। भैया का मुर्गा है। मैंने कब कहा कि ये इनका मुर्गा है, जरा चुप रहना यार। सुनिए, आप जरा यहाँ आएंगे? आप ही को बुला रही हूँ। क्या रे, तू बुद्धू है? जो तुझे प्यार करे उससे दूर नहीं जाते। बैड बॉय, ये तुझे मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, ये तुझसे प्यार करेंगे और बहुत संभाल कर रखेंगे। तेरी सेफ्टी की बात कर रही हूँ ना, और तू मुझे ही धमका रहा है। अब ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग है। इसे ठीक से समझा दिया है, अब ये कंपाउंड पार नहीं करेगा। इसे संभाल कर रखिएगा, बहुत प्यार करते हैं ना आप इससे, ठीक है? वो पड़ोस की लड़की परेशान कर रही है क्या? नहीं रे, पड़ोस में रहने वाली दिखती तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन बातें बड़ी अजीब अजीब करती है। कहीं पागल तो नहीं है? हमारे ऑपरेशन के जरिए भाभी के दिल में भैया ने स्ट्रॉन्ग जगह बना ली, लेकिन भैया के दिल में भाभी पागल बन के रह गई है यार। कोई रास्ता? अरे सोचने दो। कुछ ना कुछ तो होगा ही। रेशम मैडम जी, सिर्फ 30 रुपए किलो। एक काले कोयले की खान, चल जा और जाकर अपना कमाल दिखा, जा। How do you do, madam? भैया। हाँ, क्या बात? भाई मुझसे अभी एक खूबसूरत लड़की टकराई, मैंने उससे कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर ले गई और भरपेट खाना खिलाया, उसके बाद गधे की तरह मेरी टुकाई की। अरे वाह, एक्सीलेंट, सुपर, अमेजिंग। इस एकांत राजा के राज्य में एक लड़की इन्हीं की तरह खाना खिला खिला कर मारती है। अरे कौन है वो भैया से मैच होने वाली भाभी, नहीं लड़की? भैया वो तो गोपी देवी है। जान बचा लो, जान बचा लो, पलट जाओ पलट जाओ, नहले पे दहला गिरने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत ही फटके पड़ने वाले हैं। क्यों यार, उधर देख। अरे आजा, डरता क्यों है? गोपी देवी आपको देख कर मुझ में बदलाव आ गया है, जैसा दिखता हूँ वैसा नहीं। क्यों है ना, आपको भी नजर आएगा। मेरे पास आकर कहकर चले गए कि मुझे देखकर उनमें बदलाव आने लगा है।
मैडम, आपके सामने ढेर सारी जाने कितनी सब्जी लगी हुई है, फिर भी आप जरा अपने थैले को तो देखिए, उसमें एक टमाटर तक नहीं है। आप एक अच्छे परिवार की कंजूस लड़की है, इसीलिए भैया आपकी तारीफ करके चले गए। ये क्या हो गया भैया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों ने अपने घर में दिए क्यों नहीं जलाए? जलाना है, ट्रक माचिस और दिया लाने के लिए गया है, इसीलिए उसका वेट कर रहे हैं। हमारे घर में दिए नहीं है। हमारे पास है ना, ले लीजिए। तो फिर आप ही हमारे भैया के मन मंदिर को दिए से सजा देंगे, हम भी साथ देंगे। आइए 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 ना, आइए आइए आइए। ये भीख मांग कर जलाए हुए दियो को अगर भैया ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं, समझ लो। चलो भैया आ गए। मैंने कहा था ना, वो तो बाजू के दुकान में ही थे। आओ राजा, आओ आकर अपनी देवी के दर्शन करके अपने दिल का दरवाजा उनके लिए खोल दो। ये क्या यार, ये तो सोमरस को गले लगा कर आए हैं। ये कमबख्त सीढ़ी कहाँ से आ गई? भैया तो फुल टल्ली होकर आए हैं। क्या ढूंढ रहा है? यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा यार। सुनिए सर, यहाँ ये ना। मेरे छोटे लाल, कहाँ मर गया? जल्दी इधर आ। ऊपर नशे में अंधेरा दिख रहा है, नीचे उतर कर देखो क्या क्या जगमगा रहा है। आपके घर में रोशनी कर रही हूँ, जरा हेल्प कर देंगे प्लीज? ट्यूबलाइट जला लो, ज्यादा रोशनी हो जाएगी। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बिजली इन्होंने इन्वेंट किया है। आज दीपावली का पहला दिन है, घर में दिया जलाने से सब कुछ अच्छा होता है। ऐसी बात है क्या? तो फिर दिया जलाओ गोपी देवी, अब करता हूँ मदद। वर्कआउट हो गया। आपने देखा, ये सितारों की तरह जगमगा उठे हैं। हाँ वो तो है। तो फिर मैं चलूं? हाँ। आप जिंदगी भर उन्नति करें, यही हमारी दुआ है मालिक। मालिक फोन। हेलो। मेरी कुर्सी पर बैठकर तो बहुत खुश हो रहा होगा ना? तुझे पता है ना कि उस कुर्सी पर सिर्फ मेरा हक है। तुझे क्या लगता है कि तू बहुत बड़ा खिलाड़ी है? तेरे भाइयों की जिंदगी आज मेरी मुट्ठी है। बात के डर से पागल कुत्ते की तरह भाग रहे हैं वो। दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा उन्हें। उनका पीछा करो। पकड़ो उन्हें। रुक क्यों गए? मौत को गले लगाने से पहले चारों एक दूसरे के गले लगना चाहते हो? चार जन नहीं है, हम पांच हैं। पांच? यह वो पांचवा कौन है? रुक जा, थोड़ी देर में खुद जान जाएगा। उधर देख। निशान हमेशा के लिए मिटा दूंगा। इतनी बड़ी बड़ी मूछें रखकर बड़ी बड़ी बातें करके तू हार गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। हिम्मत की तेरी दाद देता हूँ। तुझे लगता है कि तूने यहाँ इनको लाकर फंसाया है, तो गलत है। हम पांचों पांडवों ने तुझे यहाँ लाकर फंसाया है। ये क्या है भाई, पेंटिंग का लाल कलर तेरे चेहरे पर कैसे? ये खून है भैया, इन लोगों ने मुझे मारा है। तुझे मारा? निकलेगा तुम्हारा जनाजा मेरे हाथ में।
भाई भैया, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। जोर से मारेगा ना? बहुत जोर से मारूंगा। इसके छाती पे मारेगा तो तेरे हाथ में चोट लगेगी, सीधा मुंह पर मार। वाह वाह वाह, कैसा रहा भैया? नाम रोशन करेगा भैया, हम भी। अरे इसी जगह मारेगा तो कैसे काम चलेगा? सीधा नाक पर जमा के घुसा दे, देख कैसे रसमलाई निकलती है, तभी तू मेरा भाई कहलाएगा। भैया ये दोनों तो गिरे ही नहीं। एक दो तीन। अरे छोड़, जाने देना। शुक्रिया भैया। पीठ पर मारने से किसी को भी चोट लगती है क्या? अब मार, सीना फोड़ डाल। सुन छोटे, इस तरह हाथ मरोड़, फिर गर्दन मरोड़ और पैरों पर लगा कैंची, ये तो भी बचाओ ऐसे। जबर से कहाँ भाग रहा? आजा। भैया पेट्रोल से चला देते इसको। पेट्रोल क्यों वेस्ट करना है? इसको मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर देते भैया। मैंने पहले ही कहा था ना, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। दोबारा कभी इस गांव में देखा तो मुझे याद भी नहीं रहेगा कि तुझे कभी देखा था। इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगा। मोटू चले दरा, शायरों का मुशारा चले जैसा आज तेरे चेहरे पर खुशियों का मुशारा चल रहा है। वो क्या है ना, इस लड़की के साथ मेरी शादी हो रही है। किसी तरह लड़की वालों ने भी तेरा फोटो मांगा होगा ना, तूने कौन सा फोटो दिया? मेरा ही हैंडसम चेहरे तेरे मुंह से पास आ रही है, सीधा खड़ा रहे और ये फोटो फट ना जाए इसलिए पकड़ रहा। बेचारे को परेशान कर रहे हो भैया, इस मोटू की शादी होने वाली है। हाँ भैया, लड़की बहुत खूबसूरत है, देखिए ना। ये बात है भाई, एक गरम चाय और साथ में बिस्किट भेज। चल 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 चल, भूख लगी होगी ना, आ जा आ जा। यहाँ बैठो, बैठ जा। लेकिन भैया बैठ जा, बैठ जा। शादी करेगा तू? हाँ भैया, शादी का तो मुहूर्त भी निकल चुका है। ए, अभी तो सिर्फ मुहूर्त निकला है ना शादी का, हुई तो नहीं ना, तेरी भी मरम्मत करूं क्या? 30 साल बाद भी इस घर में बच्चों की किलकारी नहीं सुनाई देगी, सिर्फ लात घूंसों की आवाज सुनाई देगी। यही हमारी बदकिस्मती है दोस्तों। भैया अगर एक औरत इस घर में आएगी तो पांचों भाइयों में फूट डाल देगी ना, इसलिए आप शादी नहीं कर रहे ना। लेकिन मैं तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ ना, मुझे शादी करने दीजिए ना। नोट दिस पॉइंट योर डॉगी। चलो अच्छी बात है, तू अपनी जिद नहीं छोड़ेगा ना? छोड़ दूंगा। तो फिर रिश्ता तोड़ दे। जरूरी बात बोल रहा हूँ, तू ही फायदे में रहेगा। तुझे पता है तू कैसा है और इसे पता है ये कैसी है, लेकिन शादी के बाद तू इसके लिए बदल जाएगा और ये तेरे लिए बदल जाएगी, और तुम दोनों के इस बदलाव में मैं बदल जाऊंगा। ये ले, मेरी बात पर ध्यान दे और काम पर लग जा। भाग 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 भाग। बच गया। पहले से शौक मारे जैसा इसका थोबड़ा है और भैया की बातों से तुझे लकवा मार। Objection, my lord. Injection of contribution of the case unbelievable. तुझसे किसने पूछा? हमारे पड़ोस में जो रहती है ना गोपी देवी। हाँ तो। वो आपसे प्यार करने लगी है भैया। अरे क्या? किसने कहा तुझे? पड़ोस से खबर आई है, ऐसा इसलिए कहीं नहीं बोल रहा है। पुर, 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 पुर। हाँ भैया, इसलिए वो हमारे घर पर आकर दिवाली का दिया जला कर गई थी। सपना पूरा हुआ इसलिए। जी हाँ भैया, वो क्या है कि एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक सेकंड आपकी यादों में पल पल तड़प रही है। तो अब उसे आप क्या जवाब देंगे भैया? उस लड़के से मिलकर मैं
अपने दिल की बात बता दूंगा, साफ साफ तौर पर उससे कह दूंगा कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। अरे भैया के दिल की बात हवा हो रही है, इसीलिए तुम लोग मुझे क्यों हवा में उछाल रहे हो? मैं नीचे गिरा तो मेरा हवा निकल जाएगा। मैडम जी आइए आइए, दो मिनट आंखें बना रही हूँ। आपका आंखें बनाने का समय नहीं है मैडम, आपको अपनी आंखें खोलने का समय है। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे भैया विनायक के बारे में आप क्या सोचती हैं? वो बहुत अच्छे इंसान हैं, हैंडसम हैं, बहुत प्यारी बातें करते हैं। इसके अलावा ये क्या खाने में सब्जी डालते समय जैसे बस बस किया जा रहा है? दो चार तारीफ के और पुल बांध दीजिए ना। क्या बोलूं? आप अपने दिल में अपने प्यार को इस तरह दबाकर कब तक रखेंगे? अपने दिल को बिंदास ओपन 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 करके बोल दीजिए। लव और उनसे? मैं आपके भैया से प्यार नहीं करती। शायद मैंने गलत पत्ता उठा लिया, इसीलिए बाजी उल्टी पड़ गई है। जरा मुझे लूज छोड़ो, लूज छोड़ो। माना कि आप उनसे प्यार नहीं करती, भैया तो आपसे प्यार करते हैं ना। वर्कआउट वर्कआउट हो रहा है यार, देखो। ये मैडम किस गहरी सोच में डूब गई, कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। मैं उनसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ। उनसे मिलकर कह दूंगी कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। मैडम जी विनायक भैया को आपसे कुछ खास बात करनी है, इसीलिए कल सुबह 9 बजे आपको डैम के पास बुलाए हैं। उनसे कहना मैं 8 बजे ही पहुँच जाऊंगी। उनसे भी एक कदम आगे निकल गई यार, पता नहीं वो क्या होगा। जरा उन दोनों को देखो, उन दोनों के बीच मीलों के फासलों की तरह एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं। और इधर तुम लोग को देखो, किसी घटिया फिल्म के घटिया हीरो हीरोइन की तरह एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए हो। चलो हटो 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 हटो। देखिए आप भैया घर में कबाब तैयार है। फोन रख, कबाब में हड्डी। आप बुरा ना माने तो इस वक्त कौन सी रेस दौड़ रहे हैं? अभी तो ये दुपट्टा पकड़ो रेस में भागना शुरू किया है, इसके बाद देखना साड़ी सलवार घाघरा चोली पकड़ने के लिए कितनी लंबी रेस लगाएंगे। रुकिए। अरे चाचा सुनिए, वो दुपट्टा इधर दीजिए। दुपट्टा चाहिए तो मुझे पकड़ो। सिर्फ और सिर्फ पागल ही लगते हैं। आशीष विनायक की जय हो, प्रेमी विनायक की जय हो। पहले अपनी ये बकवास बंद करो, किसी ने अगर सुन लिया तो क्या तकलीफ है तुम्हारी? आपने कहा था कि मैं शान से उस लड़की को रिजेक्ट करके आऊंगा, ये कहता है कि आप उसे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमसे चैलेंज कर रहा है ये भैया। मारे आपको कोई खुशी का रास्ता मिला कि नहीं? मैं वहाँ पर गया, पहुँच कर बोलने वाला था, जोर की हवा चली और उसका दुपट्टा उड़ गया। उसे पकड़ने हम पीछे भागे। कल सुबह 9 बजे मैं उस लड़की से मिलने वाला हूँ, वहाँ मंदिर में रिजेक्ट।
क्या होगा? अब क्या? कल सुबह शाम 6 बजे का अलार्म लगाकर भैया को घर से निकलने ना दिया जाए, ऐसा हमें करना ही पड़ेगा। सुबह 6 बजे का अलार्म लगाने के लिए बोला था ना? रात को इतना थक गया था कि बिना अलार्म लगाए सो गया। 9 बजे थे लेकिन ऐसा लग रहा था 6 बजे। भैया का कीजिए, क्या बात है गोपू? इन्हें अलग किए बिना भी तो क्लीन कर सकते हैं हम। ये फिटिंग किया हुआ है, हम इन दोनों को अलग करके ही जल्दी साफ कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से तो बहुत टाइम लग जाएगा गोपू। नहीं मैडम, ये राम और सीता इन दोनों के मिलन की मूर्ति है, इन्हें अलग मत कीजिए। वक्त लगेगा तो कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। ऐसी हालत में यहाँ आपने गोपी देवी को रिजेक्ट कर दिया ना? क्या है कि बोलने जा रहा था और दिमाग से निकल गया, अब जाकर बोल देता हूँ। क्या हुआ तुम लोगों को? वो हाथ दुख रहा है भैया। सब लोगों को एक साथ हाथ में कैसे दर्द हो सकता है? सबके लिए एक साथ दीपावली आती है ना भैया, उसी तरह हम सबके हाथ दर्द कर रहे थे भैया। शुभ विवाह निमंत्रण पत्रिका। बाप रे, पत्रिका भी छपवा दी तूने? आपके आशीर्वाद से हो रही है ये शादी। नहीं छोटे भैया, मैंने सबको पत्रिका बांटी है। नहीं छोटे, आपको शादी में आना है भैया। नहीं छोटे भैया, अपने भाइयों को भी लेकर आइएगा। अभी वक्त है शादी रोक। भैया मैं बहुत खुश हूँ भैया। देख बहुत पछताएगा। अपने भाइयों के साथ शादी में जरूर आइएगा। अरे रे, संभाल के देख, टका रही है। ऊपर वाले, इस बच्चे की अब तू ही रक्षा करना। ए, ए, क्या बात है दूल्हे राजा। ये क्या है भैया? मैंने मार्केट में एक दुकान तेरे नाम कर दी है। तो कल तक एक नौकर हुआ करता था, आज से तो उसका मालिक है। भैया बेटा क्या कर रहा है? सुबह शाम आप मुझे छोटे इधरा छोटे ये कर कह के बुलाते रहते थे, लेकिन आपने मुझसे वो हक छीन लिया। लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊंगा? तो जा, जा। भैया आप बहुत महान। हमारे साथ रहने वालों का ख्याल हम रखेंगे तो ऊपर बैठा भगवान हमारा भी ख्याल रखेगा। बोलो बेटी। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मंदिर का काम चल रहा है। पापा, बचपन से लेकर अब तक मैं जो भी करना चाहती थी सब कुछ कर लेती, आपने कभी नहीं रोका मुझे। लेकिन जैसा तय हुआ था आप ही मेरी शादी का फैसला करेंगे। पापा यहाँ मुझे कोई पसंद आ गया है। पापा आपको जैसे दामाद की उम्मीद थी वो बिल्कुल वैसा ही है। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको बहुत पसंद आएगा। उसने मेरे दिल को छू लिया है पापा। आप हाँ कहेंगे तो मुझे खुशी होगी पापा। संसार की पहली लड़की होगी तुम जो प्यार करने से पहले अपने पापा से पूछ रही हो। उसे मेरे पास ले आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उसे जरूर आपसे मिलाऊंगी।
क्या बात है, जैसे लड़की अपनी सहेलियों के साथ रहती है उसी तरह आप हमें जीप में दोस्त बना कर ले जा रहे हैं। क्या बात है, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी भैया? ये तो गोपी देवी है। उसने मुझे आज यहाँ बुलाया है, कुछ खास बात करना चाहती है। चलो बहुत ही अच्छी बात है, उसके साथ का सारा खेल ही खत्म कर देता हूँ। अभी क्या करें? अब तो भगवान ही कुछ करेंगे। मुझे आपसे कुछ बुरा ना माने तो आपसे कुछ कहूँ? कोई बात नहीं, कह दीजिए। आप मुझे गलत नहीं समझिएगा। मैं गलत नहीं समझूंगी। दरअसल बात यह है कि आपसे मोहब्बत है मुझे, और आपको?
ठीक है, तुम लोग अब जाओ। गाड़ी छूट जाए फिर हम चले जाएंगे भैया। ए तुमसे कहा ना जाओ। तुम लोग पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? जल्दी आ जाओ। अरे जल्दी आओ। तो भैया इस लड़की से मैं प्यार करता हूं। क्या कहा तूने? लव? भैया अरे आ जा आ जा। भैया मैं भी इससे प्यार करता हूं। ए तू भी क्या? अनीता हाय। भैया मैं इससे प्यार करता हूं। अनीता तू भी? अच्छा भैया आप और भाभी जाने के बाद हमारी भी शादी करवा देना। कितने बदमाश हैं, कुछ ही दिनों में इन्हें प्यार भी हो गया। देखा क्यों तुम्हें प्यार नहीं हुआ? नमस्ते बिटिया। ए नमस्ते कर। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी कहिए। अब तो सब कुछ ठीक है बिटिया। पहले मैं बहुत परेशान रहता था क्योंकि गांव के मारपीट में हमेशा मेरा बेटा फंसा रहता था, लेकिन आपके पिताजी से मिलने के बाद मेरा बेटा सुधर गया, इंसान बन गया, और आपके पिताजी की वजह से आज पूरे गाँव में खुशहाली छाई हुई है। बेटा सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे के पूरे गांव वाले बस यही दुआ करते हैं कि आपके परिवार के साथ पीढ़ी तक खुशियां उनके कदम चूमे। आपका शुक्रिया। अब इजाजत दीजिएगा। आपके पिताजी बहुत महान हैं, उनसे मिलना मेरा सौभाग्य होगा। उन्होंने मेरे पिताजी की तारीफ नहीं की है, सच्चाई से वाकिफ कराया है। आज से 6 साल पहले उस गाँव में दिन रात चाकू तलवार चलते थे, खून खराबा होता था। मेरे पापा ने वहाँ सुलह करवाई। गाँव वालों ने उनकी बात इसलिए मानी क्योंकि वो लोग उनकी इज्जत करते थे। मेरे पापा ने उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ अहिंसा अपनाने की सलाह दी। उसके बाद उस गांव में जब भी कोई छोटी मोटी बात होती तो पापा ही उसका हल निकालते थे, लेकिन मेरे भैया मेरे पापा के उसूलों के विरुद्ध थे। मैं पूरे गांव में शांति लाना चाहता हूँ और तुम हथियार लेकर दंगा फसाद पर तुले हो। क्या करूँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते पिताजी, हथियार हथियार उठाना पड़ता है। कभी सोचा है बिनमा की बच्ची का क्या होगा अगर तुम्हें कुछ हो गया? इस बात को लेकर मेरे पापा और भैया में घर पर हर रोज झगड़ा होता था। एक बार हमारे और पड़ोसी गांव के झगड़े के बीच हमारे गांव का एक आदमी जख्मी हो गया। तब भैया गुस्से में आकर तलवार लेकर निकल पड़े। पापा ने रोकने की बहुत कोशिश की, भैया ने पापा की एक नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उनके मौत की खबर आई। जिस दिन मेरे मना करने के बावजूद उसने तलवार उठाई थी उसी दिन सारे रिश्ते खत्म हो गए। उस खूनी की लाश को इस चौखट पर मत लाना, सीधे शमशान पहुंचा दो। तेरा बाप तुझे छोड़कर चला गया, तुझे अकेला छोड़कर। भैया अब उनकी लाश गिरा देंगे। भैया रुक जाओ। इसकी तरह और कितनों को यतीम बनाओगे? इस जमीन पर अगर एक भी भूत खून की गिरी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जाइए आप लोग। उस दिन मेरे पापा की बातें सुनने के बाद गांव में ना कोई हथियार उठाता है ना ही मारपीट करता है। पापा ने गांव वालों को प्यार से जीना सिखाया, मिलकर सुख दुख बांटना सिखाया उनको। आप बिल्कुल उनके जैसे हैं। उन्हीं के जैसी बातें, उन्हीं के जैसा शांत स्वभाव, उनके जैसा सब्र, आप मेरे पिताजी को बहुत पसंद आएंगे। वो शादी के लिए हाँ कर ही देंगे। गोपू चलो चलते हैं। हाँ चलो उठो आ जाओ। क्या हुआ? चलो चले। लेकिन कहाँ? बताता हूँ। Oh!
आपको पसंद आई ना? मैं किसी पर नाराज नहीं हूँ पगले, तुम लोग घर जाओ और खुद का ख्याल रखना। किसने भेजा बताओ? रुक जाइए, ये सब क्या हो रहा है? आपके भाइयों ने आपकी कितनी तारीफ की थी, लेकिन अब जो मैंने देखा था, जो मैंने सुना था, बस सब कुछ झूठ निकला। मेरे भाइयों ने मेरे बारे में क्या कहा था ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मेरे सामने कोई कुछ गलत करता है, वो कौन है क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसका यही हश्र होता है। मेरा दुश्मन मुझ पर किस वक्त और कहां वार करेगा ये मैं नहीं जानता, यही मेरी सच्चाई है। इसी तरह जीते आया हूं, इसी तरह जीऊंगा। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम अगर चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन हाँ ये बात तुम समझ लो, मेरे घर वाले हो या तुम्हारे घर वाले हो, मैं किसी का पाल भी बांका नहीं होने दूंगा।
अब उसकी हालत कैसी है? Nothing serious. शॉक की वजह से बेहोश है और दिमाग पर थोड़ा जोर पड़ा है. शाम को आप उसे ले जा सकते हैं. Nothing to worry. Thank you, doctor. अब वो कैसी है भैया? फिक्र की बात नहीं, अब तक बेहोश है लेकिन ठीक हो जाएगा. वो आदमी बचना नहीं चाहिए. हम उसे ढूंढ रहे हैं भैया. याद रहे भाई, उसका घर, राइस मिल, फैक्ट्री, टिम्बर डिपो, कोई भी जगह मत छोड़ना. राइस मिल में ताला लगा है. ढूंढो ढूंढो, कहीं तो मिलेगा. उसकी कोई खबर? वो अपने घर पर भी नहीं है भैया. चली गई मुझे छोड़कर. तुम लोग खाना खाकर सो जाओ, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूं. हमारी ही गलती है. जब तक वो उनके साथ थी तब भी भैया हमारे बारे में सोचते थे, अब वो नहीं है तब भी वही हाल है. हमें कुछ करना होगा. यहाँ क्या कर रहे तुम लोग? भैया बस ऐसे ही. ए, चुपचाप गाड़ी में बैठो. बचपन से आज तक हम लोगों ने आपको किसी के लिए आंसू बहाते हुए नहीं देखा था. पहली बार आपकी आंखों में आंसू देखा, इसलिए ये बर्दाश्त नहीं हो रहा. सच बताइए ना भैया, आपके दिल में अभी भी उनके लिए प्यार है? अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो हम में से कोई खुश नहीं रहेगा. ये क्या पागलपन है तुम्हारा? उन्हें आप हमारे घर की दुल्हन बनाकर लाइए ना भैया. बचपन से तुम लोग पूछते रहते थे ना कि माँ कहाँ गई, माँ चाहिए तुम्हें. मैं भी झूठी दिलासा देता, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी. वक्त ने तुम्हें माँ को भुला दिया. कुछ वक्त बीत जाए तुम उसे भी भूल जाओगे. घर पे चलो. हम नहीं आएंगे. आप लाख बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे. पहले आप भाभी को लाइए, उसके बाद हम आएंगे. अब तक हमने आपकी बात मानी, आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी भैया. से कुछ मांगने आया हूं. मैंने अपनी इच्छा से कभी हथियार नहीं उठाया. मैं हालात के आगे मजबूर था, पूरी तरह बेसहारा. आज मेरे दिल पे मेरा खुद का ही अख्तियार नहीं रहा, क्योंकि अब वो तुम्हारे पास है. मैं बदलना चाहता हूं, फैसला तुम्हें करना है.
अगर हाँ कही तो डोली में ले जाऊंगा, और ना कही तो तुम्हारे प्यार के सहारे जिंदगी बिता लूंगा। कौन है बेटा? आप विनायक हो ना? जी बाबू जी। अरे ये क्या बेटा, बाहर ही खड़े होकर बातें कर रहे हो, अंदर आओ ना। आप लोग भी, ये तो तुम्हें 2 दिन पहले लाने वाली थी, फिर देर क्यों हो गई? अरे आओ ना अंदर बैठो, खड़े ही रहोगे, बैठ जाओ। मालती कहाँ है मेरी बेटी? हे जाओ। पर क्यों, मैंने तो तुझे दिया है ना। अरे संभल कर, संभल कर। बेटा ये मेरी माँ और ये मेरी धर्मपत्नी। नमस्ते बाजी। और ये मेरे छोटे भाई के परिवार के लोग। माँ गोपी ने बताया था ना, ये वही है विनायक। बैठो ना, खड़े क्यों हो गए? भक्ति कहीं नहीं दिखाई दे रहा, वो अंदर है। भक्ति कपूर, सॉरी सर, दिखा नहीं, देखना चाहिए था ना। सॉरी सर। भैया ये मेरे चाचा का लड़का है, भक्ति कपूर, फिल्मों का दीवाना है। बाबूजी इजाजत हो तो हम चलें? अभी आए हो और अभी जा रहे हो? कल से यहाँ मेला शुरू हो रहा है, 7 दिनों तक चलेगा, बहुत मजा आएगा, खत्म होते ही चले जाना। नहीं बाबूजी जाना होगा, कम से कम एक दिन तो जाओ। नहीं मेरा मतलब है जाना है तो जाने दीजिए। आप लोग यहाँ रहोगे तो हमें बहुत खुशी होगी बेटा। भैया सिर्फ 7 दिनों की तो बात है, फिर सोचना क्या है, 7 दिनों के मेले को देखकर आराम से चले जाना। इस फैमिली का मैं ही करता धरता हूँ, यहाँ मेरा ही पाउडर चलता है। पाउडर या ऑर्डर? ये रोड तेरे बाप का है क्या जो मुझे तंग करने आ गया? एक घुमा के दूंगा तो गाड़ी के साथ तेरा भी नक्शा बदल जाएगा। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। हम पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? मुझे याद नहीं, मैंने तुम्हें देखा है लगता है। पीछे मुड़ो। मैंने कहा पीछे मुड़ो, मैंने कहा जल्दी बोलो। मैं तुम्हें जानता हूँ यार, तुम मुझे तोहफा दे रहे थे और मैं लिए जा रहा था, मेरा ना कहने के बावजूद तुम दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे। तुम्हें कुछ याद आया? मुझे याद। तुम जरा ध्यान से सोचो और मैं भी ध्यान से सोचता हूँ। वो रहा तुम्हारा रूम, अब जा सकते हो, सोचना पड़ेगा। भाई इस घर के मुखिया भैया को रोक रहे हैं मेला दिखाने के लिए, मुझे तो उनकी बातों से कुछ शक हो रहा है। शक की कोई गुंजाइश नहीं है, उनकी नजर में हम सब बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पर रोक कर रखा है। उसने मुझे डस लिया है, एक नाक की तरह मेरे दिल पर चोट लगी है। भक्ति कपूर है, तुझे बदला लेना होगा। जिसे हम लोग ढूंढते हुए आए हैं वो इसी इलाके में अब अपना दिमाग सनकने लगा है, तो नहीं छोड़ूंगा। मेहनत करता था गुड़िया। गुड़िया नीचे जाओ, बुआ बुला रही है। गोपी देवी के हाँ करने के बाद ये शादी मुमकिन है। गोपी देवी को मना नहीं तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। उस गोपी देवी के बारे में नहीं कहा, इस गोपी देवी के बारे में कहा। आपका नाम उनके नाम पे रखा गया है क्या? ना, मेरे नाम पर उसका नाम रखा गया है। माली आप फिर शुरू हो गई। बच्चों तुम सब जल्दी से नीचे आ जाओ, खाना तैयार है। ठीक है माँ जी। आओ भाइयों सब लोग यहाँ लाइन से बैठ जाओ। भक्ति। हाँ भैया। तुम जरा उस तरफ बैठोगे? भैया मैंने कहा जाओ। भैया ये लो पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दो 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 दो, दो वापस दो।
मैं पता लगा के रहूंगा। बहुत ही इडियट था। मिलेगा मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। जाओ और विनायक को देकर आओ। बस और नहीं। तू कहां उनकी बात सुन रही है? चल थोड़ा और परोस दे बेटा, अपना घर समझ के खाओ, शर्माओ मत। ठीक है माली। अंकल, लड़की को कितना घूरते हो, उसे लगा आप उसका हाथ पकड़ोगे इसीलिए भाग गई। मुझे पता, लड़की को छेड़ना गंदी बात। ठीक है, अगर उसके दिल में बसना चाहते हो तो चॉकलेट खिलाओ। मालती, उन्हें परेशान मत करो, खाना खाने दो। बेटा, हमारे घर की परंपरा है, हम सब इसी तरह एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हमारा मानना है कि जब फैमिली। कैसे लोग हैं? इन लोगों को बड़ों का लिहाज ही नहीं है। मेरे भैया भी कितने भोले वाले हैं। मैं कराज खोलूंगा तो भैया मुझ पर बहुत गर्व करेंगे। मैं भी बीएससी केमिस्ट्री कर रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? ये जो बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। लेकिन मैं उठो उठो, चलो चलो, तुम इधर इधर चलो। भक्ति जी भैया, सहारे के तकलीफों को झेलते ही बड़ा हुआ हूं, लेकिन आज यहां आकर जाना कि परिवार क्या होता है। जो खुशी आज मुझे आने के बाद मिली है, पहले कभी नहीं मिली थी। तुम्हारे परिवार के लिए और तुम्हारे लिए मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। मुझसे कभी दूर मत जाना। आप शेव किए बिना बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज शेव करके ज्यादा अच्छे लग रहे I'm
के मेरी खाब तेरे, एक दूजे से हम हैं यूं जुड़े। तेरे बिना खाब क्या, तेरे लिए ही तो दिल धड़के। ऐसा लग रहा है कोई भिखारी जैसे छूट कर आया है। भिखारी दिख रहा हूँ, मैं तुम लोगों का वकील हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जैसे मियाँ बीबी चोरी छुपे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, वैसे क्यों पूछ रहे हो? तो यहाँ क्यों आया है? तुम लोग सब मजे से क्लीन शेव करके वैक्यूम क्लीनर से जैसी सफाई हुई है वैसे चिकने हो गए हो। और उधर मैं पुलिस स्टेशन में बंद होकर तुम साइन कराने क्यों नहीं आया? इसका जवाब नहीं देने की वजह से मेरे पिछवाड़िया गाड़ी पर बहुत डंडे पड़े। पुलिस स्टेशन में कितने दिन रहा? धुलाई कितने दिन हुई? ए, ये सब कहने वाली बात नहीं है यार, क्वार्टर को अंदर छुपाने वाली बात है। तुम लोगों ने बियर का बोतल समझा जिससे गैस निकलेगा? इट्स नॉट गुड यार। भैया की शादी होने तक तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तू अभी यहाँ से निकल। इस चादर के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है मैं पता लगा के रहूंगा। ये क्या चल रहा था? अब ये नया चेहरा कौन है? ये हमारा छठा भाई है जो मेले में खो गया था, अभी वापस मिला। सुनो बेटा, तुम भी तो इनके भाई ही हो ना, जब आ गए हो तो मेला देख कर जाना। जी, मेला देखने का इनका बहाना है, ये चोर लोग यही रहना चाहते हैं। अरे तुम गलत समझ रही हो बहन, तुम्हारे बिना तो ये मेला अधूरा है। ये मेरे मेहमान हैं, इस गांव में नए हैं तो सोचा इन्हें भी मेला घुमा लिया। सबका स्वागत। क्या बात है, रुक क्यों गए? गुड़िया नारियल पानी पी रही है, तुम भी पी लो। नहीं नहीं माँ, आप लोग पी करके घर चले आओ। पर मुझे क्यों उकसा रहे हो? जल्दी
जिंदगी और मौत के बीच चंद सेकंड का फासला है, पता किसने भेजा तुझे? ओ देवराज, जानकारी नहीं है तुझे? ट्रेन नजदीक आ रही है, बता किसने भेजा? हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी तो उस परिवार से है। क्या बकवास कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ, उसके ट्रेन में भी हम लोगों ने तुम पर नहीं उनके बेटी पर हमला किया था, लेकिन तुम बीच में आ गए। तेरा बाप कौन है? आरआरएस जो इस वक्त जेल में सजा काट रहा है, उसी ने हमें उस परिवार को मारने की सुपारी दी थी। सुनो, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। कौन हूं तुम ये नहीं जानते, और तुमसे मैं भी वाकिफ नहीं हूं। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी तुमने उस लड़की को मारने के लिए भाड़े के टट्टू भेजे। तुम्हारी उस लड़की से क्या दुश्मनी है? तुम गलत दरवाजा खटखटा रहे हो, फिर भी बता देता हूं, पुरानी दुश्मनी निभाने के लिए मैंने अपने सर पर कफन बांध लिया है। तुम्हारी उससे जो भी दुश्मनी थी वो पुरानी बात है, वो मेरी मंगेतर होने वाली है, भूल जाओ उसे। हजार बार जन्म लेना पड़े फिर भी मैं बदला लेने से नहीं चुकूंगा। काले साए में मैंने दिन निकाले हैं, और तुम कहते हो कि मैं ये सब भूल जाऊं? नामुमकिन। कुछ साल पहले क्या है ये सब? सुनिए, मैं अपने पुरखों की जमीन को गिरवी रखकर इन उजड़े हुए परिवारों को बसाना चाहता हूँ। आप सबको ये बात मंजूर है ना? हाँ हाँ मंजूर। ये लीजिए। नहीं मालिक, आप ये रहने दीजिए, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप हमारी मदद करेंगे तो वो लोग आपकी भी जान ले लेंगे। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन हुआ क्या था? मैंने अपनी जवान बेटी की इज्जत को उस कमीने से बचाने की कोशिश की, इसलिए उसने सब तबाह कर दिया। ए, 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 ए। चलो इस पे साइन। मैं नहीं करूंगा, चलो आउट। तुम्हारे मालिक की कंप्लेंट करेगा, चला चला इसको। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। चंद रुपयों का कर्जा लिया था, उसे चुका ना पाए इसके लिए सब कुछ जला दिया उसने। आप सबने पुलिस में कंप्लेन क्यों लिखी? नहीं करेंगे, इसी तरह डर डर कर रहेंगे और मर जाएंगे। एक कंप्लेंट उनके खिलाफ, बस एक कंप्लेंट चाहिए, फिर मैं देख लूंगा। मैं लिखवाऊंगा कंप्लेन। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक। मेरी जिंदगी की डोर किसी के हाथों में नहीं, अगर ऊपर वाले की यही मर्जी है तो यही सही। आपसे इनका कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आपके लिए इतना कर रहे हैं। एक कंप्लेंट बस, मुझे सिर्फ एक कंप्लेंट चाहिए बस। दस्तखत करूंगी मैं। मेरे पति को मार डाला, मेरी बच्ची की इज्जत लूट ली, अब मैं जीकर क्या करूंगी बताओ? चाहे जो हो जाए मैं दस्तखत करूंगी, मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ। कहाँ दस्तखत करने हैं? आइए पिताजी, यहाँ बैठिए। बाबा अब कोई फिक्र नहीं है, आप बस एक बार इस पर साइन कर दीजिए। अब रुकना नहीं है पिताजी, हमें आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। रुक जाओ, तुम्हें अरेस्ट करने के लिए मैं वारंट के साथ आया हूँ। कंप्लेन किसने की है और गवाह कौन है? एक दो नहीं है, पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। मालिक, आपको एमएलए पद से नहीं, पार्टी से भी निकाल दिया गया है। मालिक, मालिक लगता है हमारी कंपनी को किसी ने सील कर दिया है, हमारी कंपनी का सारा राज खुल जाएगा। आप और बेटे मिलकर अच्छा खेल खेल रहे हैं, अब जेल में खेलना पुलिस की लात खाकर। चल तुझे बताता हूँ।
जाओ, ले जाओ, ले जाओ इस गुनहगार। पिताजी सब ठीक हो जाएगा। ले जाओ, ले जाओ। पिताजी को भूलिएगा। पिताजी उस दिन के बाद उससे बदला लेने का इरादा और भी मजबूत हो गया। कैसे भूलूं वो बेइज्जती, उसके टुकड़े टुकड़े करके जब तक मैं उसे मार ना दूं तब तक ये आग नहीं बुझने वाली। मैं मार कर रहूंगा उसे, तू कुछ नहीं कर सकता। बहुत खून खोल रहा है तेरा। 30 गाड़ियां, 3 इंस्पेक्टर और 10 हवलदार रहकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। वैसे तू भी गुंडों के खानदान से है, तूने शोहरत कैसे बनाई सब जानता हूँ। खानदान की शोहरत उसके नाम से नहीं, उसके कर्मों से होती है। तेरे और 4 भाई है ना, एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दे, फिर देख एक एक के कैसे सर काटता हूँ। कौन, कब, क्यों और कैसे कटा ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब सिर्फ 8 दिन बाकी है, फिर तू देखना मेरा खेल। जिस तरह मेरे बाप को मारा था ना, तेरे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। वो मेरा परिवार है, उसकी तरफ नजर उठाई तो आंखें निकाल लूंगा, तो आंखें निकाल लूंगा, तो आंखें निकाल लूंगा। ये क्या कह रहे हैं भैया, इस परिवार के ऊपर भी इतनी बड़ी मुसीबत। ये बात हमें उन्हें बता देनी चाहिए। हाँ, लेकिन बताओगे कैसे? जरा देखो इस परिवार को। सारी मुसीबतों से अनजान कितने खुश नजर आ रहे हैं। इस खुशी को उजाड़ दूं? अब इस परिवार से हमेशा के लिए रिश्ता जुड़ चुका है। नहीं छोटे, इनकी खुशी में हमारी खुशी है। इनकी खुशी में खलल डालने के लिए मेरा मन गंवारा नहीं कर रहा है। हम भी अब उस मुसीबत से जुड़ चुके हैं। जैसे हमारे परिवार की रक्षा के लिए हम तलवार उठाते हैं, वैसे ही इस परिवार की रक्षा के लिए भी उठाएंगे। इस परिवार पर खतरा मंडरा रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि दुश्मन कब हमला करेगा। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना है, अगर इसमें हमारी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। सुनो बेटा, जरा यहाँ आओगे। आपने बुलाया माजी? एक छोटा सा काम था। लेकिन ये मालती कहाँ चली गई? अभी अभी तो घोड़े पर खेल रही थी। मालती कहाँ? मालती कहाँ है? मालती तो यहीं। हेलो बिग फ्रेंड। प्यारी गुड़िया, तुम कितने दिनों से पकड़ा पकड़ी का खेल खेलना चाह रही थी मेरे साथ? हाँ बिग फ्रेंड। तो फिर बोलो आज वो खेल खेलें क्या? हाँ, चलो हो गया। तो फिर पलट कर देखो, मेरे साथ ही तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे करीब आ रहे हैं। हाँ, वो सब तुम्हारे बिग फ्रेंड के फ्रेंड्स हैं। अगर पकड़ी गई तो आउट हो जाओगी। चलो भागो वहाँ से।
अब पकड़ा पकड़ी का खेल खत्म हो गया। तो अब क्या खेलेंगे? अब खेलेंगे आंख में चली। तुम आंखें बंद करके आठ तक गिनो, बिग फ्रेंड इन सबको छुपा देगा। गुड़िया तुम यहाँ क्या कर रही हो? फ्रेंड के आठों फ्रेंड के साथ खेल रही थी। किन आठ लोगों की बात कर रही है? कोई नहीं बाबूजी, आठ लोग शमशान जा रहे थे, मैंने उन्हें वहाँ का रास्ता दिखा दिया, उन्हीं की बात कर रही थी। शमशान जाने वालों को तुमने सही रास्ता बता दिया ना? वो वहाँ अब तक पहुँच भी गए होंगे। चला जा मेरी गुड़िया, दादा तुझे गोदी में उठा कर ले जाएंगे। सब लोग तुम्हारे लिए परेशान हो गए थे। मर जाती है तू, कहाँ गई थी? मारूंगी तुझे। बेटा चोट कैसी लगी तुझे? कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है। छोटी सी चोट के लिए इतना बड़ा इलाज? मुझे तो लगता है वो यहीं हमेशा के लिए सेटल हो गया है। किसी भी तरह से मुझे इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। अंकल हाँ? आप हमें इस वक्त स्टोर रूम किस लिए लेकर आए हैं? किस लिए? इसलिए क्योंकि कोई देख ना ले। घर में भैया का डर, बेडरूम में बीवी का डर, बाहर औरों का डर, इसीलिए सबसे छुपकर हम लोग यहाँ एंजॉय करेंगे। अच्छा ये बताओ, जब भैया घर पे नहीं रहेंगे तब आइटम को बुलाकर यहाँ पर पप्पी भी ले सकते हैं क्या? नहीं अंकल, हम नहीं पीते, हमें इसकी आदत नहीं है। इनकार क्यों? इन सब की आदत का आपको पता नहीं है। शराब अंदर जाने के बाद जब इनका दिमाग का सिग्नल जलने लगता है ना, तो ये आपको इतना टॉर्चर करेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम सर पे चढ़ के बैंड बजा देते हैं। तेरे लिए यही सही मौका है भक्ति कपूर। तो फिर बोतल खुलेगी, लफड़ा होता रहेगा, फिर भी हम लोग इंजॉय करते रहेंगे। और जैसे जैसे दारू अंदर उतरती जाएगी, हम लोग मजे करेंगे, मजे करेंगे। जन्मदिन के ही दिन इनका सिर बहुत खुजला रहा है, टपली के लिए यार देना। क्या कहा? मारेंगे मारेंगे मारेंगे। यही मौका है। भैया क्या हुआ भक्ति? भैया आप कहाँ हैं? मैं मंदिर के प्रोग्राम में हूँ। 10 मिनट का टाइम निकाल कर आप यहाँ आइएगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जो आपको पसंद नहीं है वही यहाँ चल रहा है। भैया आकर देख लीजिए। ओके स्टार्ट बॉय। पूरी बोतल खाली कर दी, इन्हें तो चढ़ गई होगी। ये लो भाई इससे तोड़ो, मैं जाकर दरवाजा खोल देता हूँ। मस्ती शुरू करते हैं। कोई भी चीज सही नहीं बचनी चाहिए, सब कुछ तोड़ डालो। आपको ज्यादा चढ़ गई क्या? ज्यादा हो गई। तो अब क्या? बस अब क्या, थोड़ा एंटरटेनमेंट करना है। एंटरटेनमेंट तो होगा, तोड़ फोड़ करो। 10 मिनट में शुरू करते हैं। क्या 5 मिनट में नहीं शुरू कर सकते? ट्राई कर सकते हैं। अभी हम लोग फिल्मी गाना गाएंगे। सिनेमा नाइस एंटरटेनमेंट। हमारी फिल्म में 3 ही कैरेक्टर है, हीरो हीरोइन और विलेन। तो हीरो का रोल हमें से कौन करेगा? पागल कुत्ते के रखे दिख रहे हो। मेरी पर्सनालिटी भी तो हीरो जैसी है। सही कह रहे हैं ये। मैंने सोचा था विलेन बनेंगे। चलिए आइए आइए, आप हीरो, अब शुरू करेंगे फर्स्ट एड के लिए फाइट सीन। फाइट सीन तो मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन लोगों के मुंह पर ऐसा गुस्सा मारूंगा कि सबके दांत गिर जाएंगे। अ
अरे हमारा हीरो कहाँ गया भाई? हीरो साहब कहाँ है आप? ये क्या है हीरो साहब, कुंग फू कराटे की आवाज निकालने के बाद हरे मुर्गे की हालत हो गई आप? आइए आइए हीरो साहब, अब मुझ में सहन शक्ति नहीं है। चलो अब हीरो को पानी पिलाओ। पी लिया ना? ये क्या हीरो पर लीकेज शुरू हो गया, ऊपर से पानी डाला नीचे से निकल रहा है। चलो बदबू मत फैलाओ, निकलो। क्या हुआ भक्ति? भैया आप कहाँ हैं? मैं अभी तक यहाँ से निकल नहीं पाया। मैं यहाँ पर आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आप अपनी बीवी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने घर पर नहीं आ सकते क्या, सिर्फ थोड़ी देर के लिए? अरे अरे अरे, ये क्या हो गया तुझे? आप जल्दी से आइए ना भैया। रुकिए सर, ये लोग मुझे कुत्ते की तरह पीट रहे हैं, मुझे इनसे बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं हीरोइन का कैरेक्टर करूँ सर? अरे आप हीरोइन बनेंगे? आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। वन सेकंड, मुझे देखिए, ग्लैमर है, हेयर भी मस्त है। देख के लग रहा है किसी गैंडे ने मैक्सी पहन ली है। ठीक है चलो, तू ही हीरोइन है और ये हीरो। पुट द मार क्यों रहे? इस वक्त मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, इस सीन में तुम्हारा बाप। बाप है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी इतनी हिम्मत तो अपने बाप के सामने और गैर मर्द के सामने ना। मेरे प्यारे पापा, मैं इससे प्यार करती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ, इसके बिना जी नहीं सकती मैं। मेरे बाप और मेरे प्यार के बीच में तू कहाँ से आ गया बे? मैं कौन हूँ? तेरे गले में मंगलसूत्र बांधने वाला पति हूँ। पति है? पिताजी मेरी शादी कब हुई? दाढ़ी मुझाएले बच्चे की माँ होकर तुम मेरे साथ डुएट गा रही है क्या? तो बिगाड़ने वाली औरत है, इसे चप्पल से मारो। हीरोइन को पानी पिला। चलो ब्रेक खत्म कर। भैया क्या हुआ, इतना शोरगुल क्यों मचा रखा है तुमने? वो पांचों भाई दारू पीकर पी करके हमारे घर में दारू पीकर हमारे घर के परंपरा की धज्जी उड़ा रहे हैं। देखिए भैया, आइए भैया देखिए। रुको, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बाबूजी हम लोगों ने तो नहीं पी। झूठ बोल रहा है भैया, पूरी बोतल कटक गया है। पूछिए बाबूजी हम लोगों ने तो नहीं ऐसे। तूने पी रखी है? मैंने नहीं पी है, मेरी बीवी की कसम खा के कहता हूँ, मैंने दारू नहीं पी है भैया। अरे मैं हूँ। बाप रे, बीवी कौन है, माँ कौन है, समझ भी नहीं आता भैया। लोग खंभा पी के भी अपने माँ बाप को पहचानते हैं, आपने तो सिर्फ दो पेग पिया है और अपने परिवार को नहीं पहचानते भैया। चुप रहे नालायक कहीं का। बेटी अपने पति को संभालो, इस वक्त होश में नहीं है ये। बोतल तुमने खाली की और नशा मुझे क्यों चढ़ गई? हम लोगों ने जब शराब पी है तो नशा तुम्हें कैसे चढ़ेगा पागल? इतना वाटर पिया है, वॉशरूम नहीं जाना है? वाटर नहीं, क्वार्टर। बेटा परंपरा के मुताबिक हम लोग ब्रह्म मुहूर्त की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें अगर नींद आ रही है तो जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी जाग जाना, फिर हमारे साथ चलो। ठीक है। सुनो भाग्यवान, जरा पानी ले आना। जोर की बारिश होने वाली है, मैं कपड़े निकाल दूँ। दादाजी सबके घर में लाइट्स है, सिर्फ हमारे घर में नहीं है। मुझे लग रहा है शायद फ्यूज उड़ गया होगा, देखता हूँ। Thank you.
आने वाले दिनों में हमें पछताना पड़े इससे कहीं बेहतर है कि हम सब आज ही समझ जाएं। इनसे कहो कि यहां से चले जाएं। नहीं, हम अभी नहीं जाएंगे। मंदिर में कुछ जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं। कुछ दिनों से पापा उलझन में हैं, और उसकी वजह क्या है मैं नहीं जानती। पापा का दिल दुखाने जैसा तुम कोई काम मत करना। अब हमारे बीच सब कुछ सही है, एक छोटी सी भी गलती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चलो अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलो यहाँ से। किस लिए? आप घर की साफ सफाई करने वाले हैं क्या? घर की सफाई नहीं करनी है भाई, तुम लोगों की सफाई करनी है। तुम सब लोगों ने मेरे भाई को बहुत टेंशन दिया है। आज मेरे भैया ने तुम्हारे भाई पर नाराजगी दिखाई है, इसी कारण से मैं तुम लोगों को यहाँ से धक्के मार के भगाऊंगा। आपका राज ना खुल जाए। क्या राज खुलेगा? चला तो ठीक है। सॉरी अंकल, आप हमें भी इसी तरह अपने परिवार के साथ मिला लीजिए ना। मैं तुम लोगों को मिला लूं? इस भक्ति कपूर के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? मेरे दादा अपने जमाने में हजार लोगों को एक साथ संभालते थे। वो होटल में काम करते थे क्या? देखा ना, इस भक्ति कपूर की गर्जना सुनकर दो औरतें बेहोश होकर गिर गए। देखा? हाँ, बोल दो। खानदान में औरतों की इज्जत की जाती है और जंग से नफरत। तो फिर चीड़ फाड़ चट्टी बनियान की करते हैं। ये क्या, मेरी आवाज सुनकर पब्लिक भी भाग रही है? आपकी आवाज सुनकर वो नहीं भागे हैं सर। तो फिर जरा नीचे देखिए सर। आपके खानदान ने इज्जत करना तो सिखाया, लेकिन चट्टी पहनना नहीं सिखाया सर। बाजार में मेरी इज्जत उतर गई, इसे बचाने के लिए कोई अपनी शर्ट उतार के मुझे दे दो। हेलो, कौन है? तेरा पति मेरे कब्जे में है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? 5 लाख रुपए का इंतजाम कर। 5 लाख रुपए? इतने पैसों का इंतजाम मैं कहाँ से कर पाऊंगी? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दो। क्या हुआ बहन, रो क्यों रही? मेरे पति को किसी ने किडनैप कर लिया है और पैसे मांग रहे हैं। ये खर्चे वो खर्चे के लिए मेरे सारे गहने गिरवी पड़े हैं। अभी हाल में उन्होंने बैंक से 10 लाख रुपए का कर्जा भी उठाया है। अगर मैंने उन्हें 5 लाख रुपए नहीं दिए तो वो मेरे पति को जान से मार देंगे। पैसों की चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं करूंगा। उसे कहां पर रखा गया है? ये रहे आपके पैसे। मणिराम, रुक जा बुड्ढे, पहले पैसे दे। पैसे मुझे दे। मैं गांव छोड़ सकता हूं, लेकिन अपना धंधा और गुंडागर्दी नहीं छोड़ सकता। मुझे पता है कि इस गांव में बहुत सारे रईस हैं जिनसे कि मैं वसूली कर सकता हूं। ए, रुक जा, खोल मत उसे। आधे घंटे के अंदर जब तू 5 लाख रुपए ला सकता है, मतलब कि तू भी बड़ा रईस है। मुझे 5 लाख रुपए और चाहिए। ये तो सरासर अन्याय है। अन्याय है? पैसा वसूलने के लिए 5 गाड़ी, 50 फाइटर लोग, 50 प्लेट बिरयानी और 50 क्वार्टर। तुझे पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है, और तू अन्याय की बात करता है। जा, 5 लाख और लेकर आ। मैं कौन हूँ जानते हो? मेरे भैया कौन है जानते हो? हमारी मुझे ही हमारी शान है। बाकी के 5 लाख जल्दी से लेकर आ। जा, जल्दी जा। बेटा, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है, बताइए ना बाबूजी। वापस चलो बेटा, ये बहुत जालिम लोग हैं। हमें पैसों का इंतजाम करना है, चलो आओ। एक बार मैं बात करके देखूं? नहीं बेटे, वो बहुत खतरनाक इंसान है, तुम उसके सामने मत जाओ। बाबूजी, भैया को आप बहुत गलत समझ रहे हैं। इन्हें एक बार फाइट करने का चांस तो देकर देखिए बाबूजी, भैया सब संभाल लेंगे। उसके मुझे एक मौका तो दीजिए। सिर्फ एक चांस दे दीजिए ना बाबूजी। भैया आप अपने स्टाइल में सबको सबक सिखा के आना। विनायक, तेरा पुराना दोस्त, तेरे दोनों हाथों को पकड़ कर खींच कर मरोड़ दूंगा तो ये टूट जाएंगे चढ़ से। ये हाथ मुझे दे दे मुच्छड़। बेटा ये अंदर क्या? या उनका हाथ पकड़ कर इतने प्यार से समझा रहे हैं और देख रहे हैं ना कि वो कैसे बर्फ के माफिक ठंडा पड़ गया। जो दिया वो लौटा दो, तभी तेरी सांस बची रहेगी। जब दोनों टांग भी टूट जाएगी तो पॉटी जाने में भी दिक्कत होगी ना। बाबूजी, भैया कहना चाह रहे हैं कि मुझे लगता है कुछ और ही कह। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तेरी लाश जमीन पर होगी तो 4 लोग तुझे उल्टा लेटा कर शमशान पहुंचा देंगे। ये क्या, उस जालिम की आंखों में आंसू? जब हमारे भैया बोलने लगते हैं ना तो एनाकोंडा की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
घर की क्या औकात? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बताओ अब मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दीजिए अंकल जी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अभी मैंने आपको पहचाना, आप सूरज की रोशनी है और मैं जमीन का धूल। ले लीजिए आपके पैसे। आप चलिए बाबूजी, आइए आइए भाई साहब। मेरे बाप, उस गांव में मैं नहीं रह सकता था इसलिए यहाँ चला आया। तुम यहाँ भी चले आए, इसके बाद मैं कहाँ जाऊँ, कुछ आइडिया दोगे क्या? तो हरिद्वार ही चला जाता हूँ। भैया वो लौट रहे हैं, वो ठीक तो है ना? घबराने की बात नहीं है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, डर के मारे बेहोश हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे मत कहो, विनायक को कहो। भाई साहब, मैंने उसके लिए जाल बिछा दिया है, अब वो बच के नहीं जा पाएगा। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसे आज के बाद इस दुनिया में सांस लेने की इजाजत नहीं है। छीन ले उसकी सांस। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है मेरी गुड़िया, तुम सब लोग रो क्यों रहे हो? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे विनायक ने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई है। बेटा विनायक, तुमने मालिक को बचाकर हम लोगों पे बहुत बड़ा एहसान किया। भैया जरा एक मिनट आइए ना। भैया अब तक आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया है, एक ही बार में इस घर में आने वाली सारी मुसीबतों को खत्म कर देते हैं। आपको क्या लगता है मैं सही कह रहा हूँ ना? तू और इंतजार क्यों कर रहा है? किस लिए इंतजार कर रहा है? बहुत हुआ, इसे और मत परख तू। जब हमारी बेटी को ये पसंद है, पूरे परिवार को ये पसंद है, और इसने तेरी जान भी आज बचाई है। मैंने फैसला कर लिया है, मेरी पोती और विनायक की शादी होके रहेगी, यही बनेगा हमारा दामाद। ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। मैं अपनी गुड़िया का हाथ खुशी खुशी विनायक के हाथ में दूंगा। कल ही पंडित जी से मिलकर तुम्हारी शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाता हूँ। वोट निकाल लिया है भैया, हमारे गांव के मंदिर का उत्सव जैसे ही खत्म होगा, दूसरे दिन सुबह 7:45 बजे विनायक जी और गोपी देवी का मैं ब्याह कराऊंगा और यही हमारे दामाद होंगे। जान सकता हूँ ये मस्का क्यों? पहले मैं तुम्हें गलत साबित करना चाहता था, इसीलिए पहले सोचा था वही सही है। मुहूर्त निकल गया है, बैंड बाजा बजाओ। चाचा चाची हमारे, मामा मामी हमारे,
प्यार के प्रेमी सारे अब तो ना शर्मा रे, जोर से ढोल बजा रे। भैया लेट्स रॉक एंड रोल। भैया दिल में प्यार की सीटी बजी है, प्यारी मोरनी तू नाचे गांव में आकर देखो लव की रेल गाड़ी चली है। अंकल को बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है। अरे नेरे तुम लड़के होटा पोरी, नहीं करे नहीं करे तुमसे दिलदारी। खूबसूरत हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, आई बंद क्यों रखा है दिल का दरवाजा, खोल उसे थोड़ा हम भी तो झांके। कितना हैंडसम लड़का है, तुझे ऐसा और कहाँ मिलेगा। करूँ तेरी पूजा ना कोई तुझसा दूजा, नैनों के तीर को यूं ही चलाए जा। तूने जो सपने प्यार के दिखाए उन्हें अपने हाथों से सजाए जा। था हमने चुपके से चल ऐलान कर दे उसे सारे जहां में। दूरी मिटा तू गले लगा, मुझे डरना नहीं है अब इस जमाने से। हिम्मत चाहे दिखा ताकत चाहे दिखा, नहीं आऊंगी झांसे में तेरे। नागिन जैसी चाल वाली लचीले बदन वाली बहुत देखे है तेरे जैसे। क्यों झगड़ा करती हो, अपने दिल की बात बता दो। बसी है दिल में तस्वीर तेरी, जुबान पर आए ना जानू कैसे। तेरी सांसों ने कह दिया है मुझको कि मेरा नाम ही लिखा है तेरे दिल पे। उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है भैया, और वो फरार हो चुका है। मालती, क्या है ये तुम्हें कहां से मिल गया? गाड़ी में। मालिक इस पे तो फूल लगा है। मालिक मालिक यहाँ और भी हथियार है। आ, 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 आ,
क्या है ये सब तो तुम सब जानती हो। विनायक की असलियत तुमसे छुपी नहीं है। बताओ तुम्हारी गाड़ी में इतने हथियार कहां से आए? पापा तुम्हें शक की नजर से देख रहे हैं। तुम मेरे लिए बदल गए हो ना? तुम जवाब क्यों नहीं देते? चुप रहो। तुम्हारी गाड़ी में जो हथियार मिले हैं और उनमें जो खून लगा है उससे तुम्हारा क्या संबंध है? मैं मजबूर था भावजी। पुरानी दुश्मनी थी, उससे बचने के लिए हथियार रखने पड़े। कोई चारा नहीं था मेरे पास। आगे फैसला आप कीजिए। खत्म हो गया बेटा। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मेरे घर के लड़के का ब्याह नहीं हो सकता। मुझे लगा था कि तुम मेरी तरह ही अहिंसावादी हो, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। हिम्मत नहीं है बेटा कि मैं किसी की मौत देख सकूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। भगवान के लिए तुम इस घर से चले जाओ। है जो हम सबको यहाँ पर लेकर आया। फिल्म के हीरो के अलावा हमें कौन बचा सकता है? विनायक, विनायक, नाम लिया। कहाँ झुक कर बैठा है तू? मैं दुश्मन के परिवार को बचाना चाहता था, इस चक्कर में तू अपने परिवार को भूल गया। सदैव का तेरे भाई का खून बह रहा है। तेरे भाई की जिंदगी अब मेरी मुट्ठी में है। हिम्मत है तो बचा ले उसे। सुनो भीम, अर्जुन उस परिवार का पाल भी बाका नहीं होना चाहिए। भैया भैया अपने साथ चलेंगे। क्या दुश्मनी है? जब जब मैंने तेरे परिवार का नामो निशान मिटाने की कोशिश की, तब तब यह दीवार बनकर तेरे परिवार को बचाता रहा। क्या दुश्मनी है? यह
जब तेरी बेटी लौट रही थी तब मेरे आदमियों ने उस पर हमला किया था, तब भी इसी ने उसको बचाया था। तुझे पता भी नहीं होगा कि तेरे घर को शमशान बनाने की कोशिश की, तब इसने मेरे आदमियों को शमशान पहुंचा दिया। मुझे हरा कर ये बहुत महान बनना चाहता है, आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। चल मुखिया, आज इसे तेरे परिवार के सामने जिंदा काट दूंगा। आंखें खोल, अभी तो तुझे इन सब को तड़प तड़प के मरते देखना है मूसा। मूसा मार दे, मार दे इन्हें। से आया तू, बार बार बीच में क्यों आता है तू? अपनी जान इस परिवार के लिए क्यों गंवाना चाहता है? इस परिवार में है मां की ममता। आदर्श और सिद्धांतों वाला पिता। मुझ पर दिल और जान लुटाने वाली प्रेमिका, तब भी मैंने यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूं। ये मेरा परिवार है, इस तक पहुंचने के लिए तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। आज तू नहीं या मैं नहीं। We'll be right back.
जाओ विनायक। तुमने मेरे परिवार के लिए ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन तुमने कभी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अगर आपको सच्चाई बता देता तो आपके परिवार के सुख और शांति भंग हो जाती है। जो दुख का सामना करता है और दूसरों की तकलीफ समझता है वही इंसान है। तुमने इतनी तकलीफ उठाई, ऊपर से मैंने भी दुख दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो तुम्हें समझ नहीं पाया। आज वो भूल सुधारूंगा। अब हनीमून की तैयारी करो, कश्मीर में मैंने रूम बुक करा दिया है। अरे प्यारे लाल, वहाँ तो बॉर्डर पर लफड़ा चल रहा है यार। अरे लफड़े से जिंदगी में आप कभी डरे क्या? बीवी की नाम की माला गले में पड़ जाए और अगर बिल्ली ठीक है तो आदमी डर के मारे भाग जाता है, यही दुनिया का दस्तूर है।